क्लोजर प्रॉपर्टीज पे ऑलरेडी मैं 3 to 4 वीडियोस बना चुका हूँ। चैप्टर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था ये टॉपिक, अगर आपको याद आ रहा हो तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स चेक कर सकते हैं। आई थिंक वीडियो नंबर 45 से स्टार्ट था। तो अगर आपको आइडिया ही नहीं है क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है एंड सो ऑन, तो प्लीज पहले वो मेरे वीडियोस चेक कर लो, उनसे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इनफैक्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ क्लोजर प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी DCFLs की, है ना। अच्छा, और कुछ एडिशनल क्लोजर प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमारे को माइंड में अच्छे से रखना है, क्योंकि गेट एग्जाम में काफी बार इन सबसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग वो सारी एडिशनल क्लोजर प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। ओके, तो जो पहली एडिशनल प्रॉपर्टी हमारे को देखने है, दैट इज होमोमॉर्फिज्म, है ना। अच्छा, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। वैसे मैंने जो क्लोजर प्रॉपर्टीज आपको पहले पढ़ा रखी हैं वो कौन-कौन सी है भाई? एक तो सबसे पहले ट्रांसपोज या रिवर्सल, है ना, फिर यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, सेट डिफरेंस, कंकेटिनेशन, यूनियन विद रेगुलर, इंटरसेक्शन विद रेगुलर। आई थिंक 8 प्रॉपर्टीज मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखी हैं। तो अब ये 9th प्रॉपर्टी मान लो, लेकिन एडिशनल में हमारी ये पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है। ओके, तो होमोमॉर्फिज्म क्या कह रहे हैं भाई? रिप्लेस ईच इनपुट अल्फाबेट सिंबल विद अ, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, देखो, रिप्लेस ईच इनपुट अल्फाबेट सिंबल, ठीक है। जो भी इनपुट अल्फाबेट सिंबल, इनपुट अल्फाबेट सिंबल क्या होता है भाई? वो सिग्मा, है ना। तो सिग्मा में जैसे हमारे पास है A, B, तो हर एक सिंबल को मैं रिप्लेस करूंगा, तो लिखा हुआ आगे विद अ स्ट्रिंग डिजाइन फ्रॉम अनदर सेट ऑफ सिंबल्स कॉल्ड टाउ, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपल क्या है भाई? ये होमोमॉर्फिज्म कुछ नहीं है, एक मैपिंग है, ठीक है, या यू कैन से एक फंक्शन समझ लो, फंक्शन या मैपिंग। तो होमोमॉर्फिज्म इज नथिंग बट अ फंक्शन, ठीक है, इट इज नथिंग बट अ फंक्शन और मैपिंग। अच्छा, कहां से कहां है ये मैपिंग? क्योंकि ऑब्वियसली फंक्शन दो सेट्स के बीच में होता है ना, तो ये सेट्स क्या है भाई? एक पहला सेट है सिग्मा और दूसरा है जी टाउ स्टार। ये टाउ स्टार क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैंने क्या बोला है, विद अ स्ट्रिंग डिजाइन फ्रॉम अनदर सेट ऑफ सिंबल्स टाउ, तो टाउ को हमारे पास सेट ऑफ सिंबल्स होगा, उस पे हम स्ट्रिंग बना रहे हैं। स्ट्रिंग आपको पता है भाई, है ना, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर सिग्मा क्या होता था? सिग्मा स्टार, तो वही चीज हमने लिख दी, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर टाउ क्या होगा? टाउ स्टार। तो किसी भी स्ट्रिंग से जिससे आपका मन करे आप उससे रिप्लेस कर सकते हो। तो बेसिकली क्या है, सिग्मा को टाउ स्टार से रिप्लेस करना और कुछ नहीं। अगर आपको लग रहा है कि हेजी है, समझ नहीं आया, 2 मिनट पेशेंस रखो, मैं भी आपको समझाता हूँ, एग्जाम्पल होगा ना तो समझ में आएगा आपको। जैसे देखो, सिग्मा हम ले लेते हैं से A, B, ठीक है, और से टाउ हम लोग ले लेते हैं से 0.1, ठीक है। तो मैं अब लैंग्वेज लिखता हूं, एल है हमारे पास A*B*, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एच ऑफ एल मैं निकालना चाहता हूँ, तो बताओ वो क्या होगी, ठीक है। तो उसके लिए हमारे को क्या करना होगा? पहले तो मैपिंग देनी होगी। ये क्वेश्चन अभी अधूरा है, ऐसे नहीं पूछ सकता मैं एल A*B* है तो एच एल बता दो, तो ऐसे नहीं बता सकते, मैपिंग देनी पड़ेगी, है ना। यही है हमारी मैपिंग ही हमारी वही होमोमॉर्फिज्म है। तो मैपिंग मैं ऐसे देता हूँ आपको, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि एच ऑफ ए इज से 0 एंड एच ऑफ बी इज से 1। तो अब आप आराम से मुझे बताओगे, अगर एल A*B* है तो एच ऑफ एल क्या हो जाएगा? कुछ नहीं है भाई, ए को आपको 0 से रिप्लेस कर देना है, बी को आपको 1 से रिप्लेस कर देना है, तो मैंने कर दिया। तो एच ऑफ एल क्या हो जाएगी जी? 0*1*, दैट्स इट। इसमें कुछ है ही नहीं, टेक्निकलिटी है ही नहीं कुछ, है ना। ये 0 और 1 मैंने कैसे ले लिया? क्योंकि मैं कोई भी स्ट्रिंग ले सकता था, तो 0 भी तो एक स्ट्रिंग है, 1 भी तो एक स्ट्रिंग है, तो वो मैंने ले लिया, ठीक है। अगर आपको ये अच्छे नहीं लग रहे, ये ब्यूटीफुल नहीं लग रहे, तो कोई और ले लो जो आपका मन कर रहा है, ठीक है। तो कोई स्ट्रिंग लेना है आपको, टाउ स्टार क्या होगा भाई? ऑल पॉसिबल बाइनरी स्ट्रिंग्स ना, तो जो आपका मन करे वो पकड़ लो। जैसे मैं ले लेता से एच ऑफ ए, प्लीज ये ध्यान रखना, सिग्मा से, सिग्मा स्टार नहीं, यहाँ पे सिग्मा से टाउ स्टार पे हमारे को मैपिंग करनी है। तो मतलब कुछ नहीं है भाई, सिंपल बात है एकदम, जो भी हमारा इनपुट अल्फाबेट है ना भाई, सीधी सी बात है, उसमें जैसे सिंबल्स हैं ए और बी, तो अब आप ए को कोई भी बाइनरी स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दो, ये मीनिंग है, और बी को आप कोई भी बाइनरी स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दो जो आपका मन कर रहा हो, ठीक है। तो एच ऑफ ए अगर आप चाहते तो ये ले लेते हैं 0, 1, 0, एच ऑफ बी आप चाहते तो ले लेते हैं 1, 1, 0, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, ठीक है। तो ऑब्वियसली फिर एच ऑफ एल क्या हो जाता? एच ऑफ एल हमारा हो जाता ए को A*B* था ना, ये एल वॉज A*B*, तो क्या बन जाता भाई? 0, 1, 0 का स्टार और 1, 1, 0 का स्टार, ठीक है, 1, 1, 0 का स्टार। आई थिंक समझ में आ गया होगा, इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है भाई, डेड सिंपल काम है, कुछ भी नहीं है। जो भी इनपुट अल्फाबेट है उसको किसी स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दो, और वो स्ट्रिंग किस पे बना हुआ होगा भाई? टाउ पे बना हुआ होगा, तो मतलब टाउ स्टार से आप, तो मतलब टाउ स्टार में से कोई भी स्ट्रिंग पकड़ के उससे आप रिप्लेस कर सकते हो, जिससे आपका जो मन कर रहा है आप वो कर लो, इट हार्डली मैटर्स टू मी। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। कोई और एग्जाम्पल हूँ कि समझ में आ गया है? एक एग्जाम्पल और लेना तो ले लो भाई, है ना। तो मैं सपोज कर लो एल ले लेता हूँ से A*N B*N, है ना, और मैं आपसे पूछता हूँ एच ऑफ एल बताओ, तो फिर वही बात है, क्वेश्चन अधूरा है भाई, पहले तो स्ट्रिंग बताओ, मैपिंग कराओ, तब मैं बताऊंगा ना भाई। तो ए के लिए मैंने बोल दिया है, ए को मैं रिप्लेस कर रहा हूं से 0, 1 से, ठीक है जी। तो
सॉरी सॉरी फॉर दैट, 01 से बस हम रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रिंग से रिप्लेस करना ना, तो हमने स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दिया 01 से, कोई भी बाइनरी स्ट्रिंग उठा करके कर लेना, बी को आप रिप्लेस कर रहे हो से 110 से, ठीक है। तो अब बस, तो अब एल क्या थी, ए पावर एन बी पावर एन थी, तो एच ऑफ एल आप मुझे बता सकते हो, एच ऑफ एल क्या होगी भाई, ए को किससे रिप्लेस किया 01 से, तो लो जी 01 पावर एन, अच्छा और बी को किससे रिप्लेस कर रहा है 110 से, तो लो जी 110 पावर एन, ठीक है। आई थिंक आप समझ चुके हो गए, मेरे ख्याल से इसमें कोई खास टेक्निकलिटी नहीं है, इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है जी। अच्छा तो अब बात आएगी जी क्लोजर प्रॉपर्टीज वाली, है ना, मतलब इन द सेंस होमोमॉर्फिज्म में कौन सी लैंग्वेज क्लोज है कौन सी लैंग्वेज क्लोज नहीं है। तो पहले सिंपल बात करो रेगुलर की, ठीक है, तो पहला सवाल ये मैं पूछूंगा कि रेगुलर के बारे में क्या ख्याल है आपका, क्या रेगुलर लैंग्वेज होमोमॉर्फिज्म में क्लोज होगी? अरे 100% होगी भाई, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, जो भी आप लैंग्वेज लिखोगे सिंपल बात करो, बस देखो ऊपर ही मैं आपको दिखाता हूँ ना, तो आपको ब्यूटीफुल तरीके से समझ में आएगा, सिग्मा हमारा ए भी था, टाउ हमारा 01 था। अच्छा ये भी कोई जरूरी नहीं भाई, ये दो सिंबल्स थे तो यहाँ पे भी दो ही लेने हैं, ऐसा मैंने कहीं कुछ बोला ही नहीं, आप 01 2 भी ले सकते थे, इट हार्डली मैटर्स टू मी, ठीक है, जो आपका मन करे जैसे आपका मन करे आप ले सकते हो, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल दिया, चलो सीधा रेगुलर मैं आपको एग्जाम्पल ही दिखाता हूँ ना, देखो तो आपको समझ में आएगा, जैसे देखो हम सिग्मा ले लेते हैं से ए कॉमा बी, ठीक है, और टाउ ले लेते हैं 01 और 2, ठीक है, तो ए को मैं रिप्लेस करूंगा, इनमें से कोई भी स्ट्रिंग पकड़ सकता हूँ ना, ये 01 2 से बना हुआ कोई भी स्ट्रिंग पकड़ सकता हूँ, से मैंने स्ट्रिंग पकड़ लिया 01, ठीक है, और बी को मैंने रिप्लेस कर दिया से 12 से, ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब मैं आपसे अगर लैंग्वेज पूछता हूँ, लैंग्वेज है हमारे पास से ए स्टार बी स्टार, तो एच ऑफ एल क्या बनेगा बताओ मेरे को, होमोमॉर्फिज्म ऑफ एल, है ना, तो बताओ क्या बनेगा भी? बहुत सिंपल है, ए को आपने किससे रिप्लेस कर रखा है 01 के 01 से, तो 01 का स्टार हो जाएगा, और बी को किससे रिप्लेस कर रखा है 12 से, तो 12 का होल स्टार हो जाएगा, दैट्स इट। बस अब ये मैंने क्यों एग्जांपल रिपीट किया, आपको लग रहा होगा कि सर अभी तो सारा बताया था, दोबारा क्यों रिपीट करा, अभी देखो इसलिए रिपीट किया है ताकि आप मेन जो क्रक्स है वो पकड़ सको, जो हमारी एल थी वो क्या थी जी, ए स्टार बी स्टार थी, तो ये रेगुलर थी क्यों, क्योंकि मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी हुई थी, तो एच ऑफ एल जो मैं बना रहा हूँ वो भी तो रेगुलर एक्सप्रेशन ही है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है रेगुलर लैंग्वेज हमारी क्लोज निकलेगी होमोमॉर्फिज्म में, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है भाई, हर एक सिंबल को जो भी आपका इनपुट सिंबल था आप उसको रिप्लेस कर रहे हो किससे, कि कोई एक स्ट्रिंग बनाना है टाउ पे, है ना, उस स्ट्रिंग से रिप्लेस कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात अभी पहले जो भी आपने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी होगी वो ए और बी की टर्म्स में होगी, आप जो रेगुलर एक्सप्रेशन लिखोगे वो 01 और 12 के टर्म्स में हो जाएगी, तो उसमें क्या टेंशन है भाई आपको, है ना। कोई और एग्जाम्पल चाहिए तो ले लो, जैसे सपोज कर लो मैं बोल देता से ए प्लस बी का होल स्टार, है ना, और उसके बाद ए बी और ए प्लस बी का होल स्टार, मतलब ए बी एस सबस्ट्रिंग था, तो अब ये एच ऑफ एल क्या बन जाएगी इसकी, बहुत सिंपल है भाई, है ना, इसमें क्या टेंशन है आपको, ये एल थी हमारी, तो एच ऑफ एल क्या बनेगी भाई, ए प्लस बी का होल स्टार था, तो ए क्या है 01 है, तो 01 प्लस 12 का होल स्टार, है ना, उसके बाद ए बी है, तो मतलब 01 12, और उसके बाद फिर ए प्लस बी का होल स्टार था, तो ए क्या है 01 प्लस 12 का होल स्टार, सब कुछ छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, बस आप इतनी बात करो, एल के लिए मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी हुई थी, तो एच ऑफ एल के लिए मैंने सीधे रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी है कि नहीं लिखी, बस खत्म कहानी, तो ये भी रेगुलर होगी होगी, तो सिंपल बात आप समझ चुके हो मेरे ख्याल से, मेरे को और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, रेगुलर लैंग्वेजेस हमारी होमोमॉर्फिज्म में क्लोज आएंगे, ठीक है, तो हम नीचे लिख देते हैं ये पॉइंट, रेगुलर लैंग्वेजेस लिख देता हूँ मैं बस, ठीक है, क्लोज अंडर होमोमॉर्फिज्म, क्लोज अंडर होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, कौन रेगुलर लैंग्वेजेस, तो अगर लिखना है तो मैं पीछे करके लिख देता हूं, ठीक है, रेगुलर लैंग्वेजेस आर क्लोज अंडर, रेगुलर लैंग्वेजेस आर क्लोज अंडर होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गेट एग्जाम में बहुत बार आया है, कौन सी लैंग्वेज क्लोज है कौन सी नहीं है, प्लीज ध्यान रखना, रेगुलर क्लोज आएगी होमोमॉर्फिज्म में। अभी आप थोड़ा थोड़ा रफली नोट डाउन कर लो, बाद में मैं एक टेबल बना दूंगा फर्स्ट क्लास, उस टेबल में सारा कुछ आपको अच्छे से बता दूंगा कि कौन क्लोज है कौन क्लोज नहीं है एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आती है जी, अब देखो रेगुलर होगी, फिर डीसीएफएल की बात आएगी, तो कॉमन सेंस से मुझे बताओ क्या डीसीएफएल क्लोज आएगी भाई, DCFL क्या क्लोज आएगी होमोमॉर्फिज्म में, अभी मैं आपको समझा चुका हूँ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है ना, तो DCFL का एग्जांपल हो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, जैसे देखो मैं लिखता हूँ W#W ट्रांसपोज, ठीक है, तो सच दैट W बिलोंग्स टू ए बी का स्टार, तो सिग्मा हमारे पास क्या हो गया जी, सिग्मा हो गया जी ए बी और हैश, ठीक है ना, तीन चीजें हैं ना हमारे पास सिंबल्स में, आई थिंक समझ पा रहे होगे इसमें क्या बोलूं मैं। अच्छा टाउ जो हम अब लेना चाह रहे हैं, टाउ हम सपोज कर लो ले लेते हैं से, ये ए बी भी ले सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, या ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि टाउ आपको अलग ही लेना है इन सब से, तो मैं इसके जैसा भी ले सकता हूँ, है ना, तो मैं ले लेता हूँ से ए बी,
ऐसा भी ले सकता हूँ, या जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी रादर थोड़ा सा अच्छे से समझाने के लिए मैं ले लेता हूँ से 01। ठीक है, अब देखो मैं कितनी कितना ब्यूटीफुल बात आपको बोलता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, आपको लग रहा है कि ठीक है ये तो DCFL है, तो क्या DCFL क्लोज आएंगी होमोमॉर्फिज्म में, हमारे को यही पता लगाना है। तो देखो ब्यूटीफुल बात मैं ये कहता हूँ, क्योंकि हमारे को मैपिंग करनी है ना, सिग्मा से टाउ स्टार पे मैपिंग करनी है, जो आपका मन कर रहा है आप वो कर सकते थे। तो टाउ स्टार पे मैपिंग करने के लिए मैं ए को रिप्लेस कर लेता हूँ जीरो से, कोई भी स्ट्रिंग से रिप्लेस करना था तो जीरो इज ऑल्सो स्ट्रिंग, तो मैंने उससे रिप्लेस कर लिया। बी को मैंने रिप्लेस कर लिया वन से, और हैश को भी मैंने रिप्लेस कर लिया जीरो से। अब आएगा मजा, अब देखो अब क्या होगा। ठीक है, तो अब देखो अब मैं क्या कहूंगा, जो हमारी लैंग्वेज एल थी, ठीक है, तो जो लैंग्वेज हमारी एल थी, दिस वाज आवर एल, तो एच ऑफ एल जरा मुझे समझाना क्या आएगा, कॉमन सेंस से आप मुझे बताओगे, यहां लिख दो एच ऑफ एल, अब आप जरा मुझे समझाओ क्या आएगी। डब्ल्यू हैश, डब्ल्यू ट्रांसपोज, तो हैश को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया जीरो से, और डब्ल्यू ट्रांसपोज सच दैट डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए बी का स्टार था ना, तो अब ए को मैंने किससे रिप्लेस कर रखा है जीरो से, बी को किससे रिप्लेस कर रखा है वन से, हाँ जी, तो क्या बन जाएगा जी 0.1 का स्टार। और ये आपको देखते समझ में आ रही है भाई, है ना, ये DCFL नहीं रही, ये तो CFL बन चुकी है। तो कॉमन सेंस से आपको समझ में आ गया होगा DCFL क्लोज नहीं आने वाली होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो हम ऊपर ही लिख देते हैं कि DCFL नॉट क्लोज्ड अंडर होमोमॉर्फिज्म, शॉर्ट में लिख देता हूँ बस, नॉट क्लोज्ड। ठीक है, और एक ब्यूटीफुल बात यहाँ पे, इतना भी क्या के भाग सकते थे, देखो अगर आपको इतना सब याद नहीं रहता, गेट एग्जाम में आपको दिक्कत आती है, तो मैं आपको और इजी वे में समझाता हूँ। पहले एक बात ना, इस सबको नोट डाउन कर लो। ठीक है, यहाँ से हमने एडिशनल क्लोजर प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी, आप इतना यहाँ तक नोट डाउन कर लो। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद फिर आप यहाँ से जो बचा हुआ पार्ट है इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, कर लिया जी। अच्छा अब देखो, अब मैं अगर आपको मतलब जैसे याद रखना है गेट एग्जाम के लिए, आपको भाई टेंशन आए दिमाग में, तो आप सीधा इतना कह के भाग सकते थे। देखो भाई स्ट्रिंग है हमारे पास w हैश w ट्रांसपोज सच दैट w बिलोंग्स टू ए बी का स्टार, ऐसे याद रखना है आपको गेट एग्जाम में, मैं भी इसी हिसाब से याद रखता हूँ, बिल्कुल फ्रेंकली आपको बता रहा हूँ। हाँ जी, तो फिर क्योंकि होमोमोर्फिज्म है, ठीक है, होमोमोर्फिज्म है तो किसी भी स्ट्रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं ना, तो अगर आप नल से रिप्लेस करो तो आपको कोई टेंशन थोड़ी है, मतलब इन द सेंस कि हम ऐसे भी कह सकते थे कि कोई भी सिंबल पकड़ना है ना, सिग्मा से टाउ स्टार पे हम लोग मैपिंग कर रहे हैं, टाउ क्या है क्या नहीं है मारो गोली, हम नल से भी रिप्लेस कर सकते हैं ना, क्योंकि टाउ स्टार में नल भी आ रहा है, तो आप सिंपली ऐसे बोलो हैश को कर दो रिप्लेस नल से, तो ये लैंग्वेज क्या बन जाएगी जी डब्ल्यू डब्ल्यू ट्रांसपोज, और हम फंस जाएंगे। याद रखने का तरीका सिर्फ एक सिंपल इलाज बता रहा हूं, ताकि आप फटाफट से याद रख सके चीजों को। ठीक है, तो डब्ल्यू हैश डब्ल्यू ट्रांसपोज डब्ल्यू बिलोंग टू ए बी का स्टार, हाँ जी, तो अब ऐसे क्वेश्चन आएगा ना सीधा सीधा गेट एग्जाम में कि क्या DCFL क्लोज होती है होमोमॉर्फिज्म में या नहीं, अगर आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा तो आप इतना याद रख सकते हैं कि DCFL का एग्जाम्पल, अच्छा जी डब्ल्यू हैश डब्ल्यू ट्रांसपोज, अच्छा जी उसके बाद फिर क्योंकि हम होमोमॉर्फिज्म कह रहे हैं तो किसी भी कोई भी इनपुट सिंबल को हम किसी स्ट्रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं ओवर टाउ, तो टाउ पे कोई भी हम स्ट्रिंग सोच रहे हैं तो नल भी तो एक स्ट्रिंग होता है, तो आप नल से रिप्लेस कर लो। तो सब कुछ छोड़ो, टाउ वगैरह इमेजिन ही नहीं करना गेट एग्जाम में बैठे बैठे, आप सिंपल बस इतनी बात करना क्योंकि नल से रिप्लेस हो सकता है, तो भैया हैश को नल से रिप्लेस मार दो, जैसे आप हैश को नल से रिप्लेस मारोगे तो डब्ल्यू डब्ल्यू ट्रांसपोज बन जाएगी, तो DCFL क्लोज नहीं आएंगी होमोमॉर्फिज्म में, फटाफट चुटकी बजा के आपको याद आएगा गेट एग्जाम में। शॉर्टकट अब आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का। ओके, तो DCFL क्लोज नहीं आने वाले भी। अच्छा जी, CFL क्लोज आएंगी क्या? CFL हाँ जी क्लोज आएंगी, इसके प्रॉपर प्रूफ में हमारे को जाने की जरूरत नहीं है, बस आप सिंपल याद रखते हो CFL क्लोज आएंगी। अगर आपको रफ आइडिया चाहिए, रफ आइडिया चाहिए तो मैं इतना कह सकता हूँ, देखो जैसे आपने कोई लैंग्वेज ले ली से ए पावर एन बी पावर एन सच दैट एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज CFL ना, नो डाउट इट इज DCFL, DCFL एवरी DCFL इज CFL आल्सो, तो ठीक है हमने एल ए ले ली। अच्छा जी, तो जब आप यहाँ पे सिग्मा क्या होगा जी, सिग्मा होगा जी ए कॉमा बी, ठीक है, और टाउ हम मान लेते हैं से 0 1 और 2, तो ए को आपने रिप्लेस कर दिया 0 1 से, बी को आपने रिप्लेस कर दिया 1 2 से। ठीक है, तो अब आप जरा मुझे समझाओ क्या बन जाएगी लैंग्वेज, तो लैंग्वेज बन जाएगी ए पावर एन बी पावर एन था ना, तो 0 1 पावर एन और 1 2 पावर एन। ठीक है, ये लैंग्वेज हमारी बन जाएगी। तो अब आपको करना क्या है भी? देखो सिंपल बात, रफली मैं इतना कहके भाग सकता हूं, ए पावर एन बी पावर एन था, तो मतलब ए पुश होते थे बी से हम काटते थे, तो अब आपको क्या करना है, टेप से देखो स्ट्रिंग लिखता हूं मैं 0 1 0 1 0 1, उसके बाद फिर 1 2 1 2 1 2, तो जैसे ही आप ये दो सिंबल 0 और 1 पढ़ते हो ना स्टैक में, उनको आप ए पुश कर देना, मतलब 0 0 फेंक देना, 1 को आप ए बना करके पुश कर देना स्टैक में। ये चीज प्लीज आपको याद रखना है भाई, मैंने आपको समझा रखा है, ये कोई जरूरी नहीं होता
पीडीए में, राधा शायद मैंने ये अभी तक बात बोली नहीं थी तो मैं अब बोल देता हूँ, पीडीए में ये कोई जरूरी बात नहीं होती कि आपको जैसे ए पर एन बी पर एन है तो ए को ए बना करके स्टैक में डालना है, आप चाहो तो ए को एक्स बना के भी डाल सकते हो। गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैं आपको ये सब चीजें समझाऊंगा, क्योंकि हमारे को सिंबल पुश करना है तो जो आपका मन कर रहा है वो पुश कर लो, इट हार्डली मैटर्स टू मी। क्योंकि याद होगा आपको मैंने पीडीए 7 टपल से रिप्रेजेंट करवाया था, तो 7 टपल में एक टाउ भी था, दैट मींस पुश डाउन सिंबल, तो पुश डाउन सिंबल अलग हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिग्मा वाले ही होंगे टाउ भी। समझ में आ रहा है, याद है कि नहीं आ रहा? पीडीए में मैंने आपको क्या समझाया था भाई, 7 टपल थे, Q सिग्मा लिख देता हूं एक बार, Q सिग्मा डेल्टा Q नॉट F टाउ और Z नॉट। तो मैंने ये तो नहीं कहा था ना भाई सिग्मा और टाउ एक जैसे हैं या एंड सोन, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा था, है ना। एक एक बात बस मैंने आपको ये समझा दी थी कि Z नॉट विल बिलोंग टू टाउ बट Z नॉट विल नॉट बिलोंग टू सिग्मा, है ना। और सिग्मा और टाउ में और कोई खास ऐसे रिलेशन तो मैंने नहीं बोली थी, तो हो सकता है कि टाउ आप एक्स कॉमा वाई ले लो और सिग्मा आपसे ए कॉमा बी ले लो, तो ए जो आपने पढ़ा आप उसको एक्स बना करके पुश कर सकते थे, बी आपने पढ़ा वो वाई बना करके पुश कर सकते थे, जो आपका मन करे आप वो कर सकते हो। तो वही चीज डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने यही चीज समझ में आ गया ना क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ए पर एन बी पर एन था तो ए को आप एक्स बना करके भी स्टैक में डाल सकते थे, इट हार्डली मैटर्स टू मी, इससे हमारे को 1% भी प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं होता कि जो ए पढ़ा स्टेप से वही ए बना करके स्टैक में डालना है, आप चाहो तो उसको एक्स बना लो, वाई बना लो, जेड बना लो, जो आपका मन करे वो बना लो, इट हार्डली मैटर्स टू मी, ठीक है जी। और रादर इसका कोई स्ट्रिंग बना करके डाल सकते हो, तो यही एक्जेक्टली होमोमोर्फिज्म ही हम लोग फॉलो कर रहे थे पीडीए में, हाँ जी। तो इसलिए फिर वो क्लोज आएगा, ठीक है। तो अब मैं देखो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि जीरो को फेंक देना, वन को ए बना करके पुश कर देना, ठीक है ना। अच्छा उसको फिर जीरो को फेंक देना और वन को ए बना करके पुश कर देना, जीरो को फेंक देना वन को ए बना करके पुश कर देना। अब क्या करना है आपको, वन टू पढ़ोगे तो वन को फेंक देना और टू से ए को काट लेना, फिर वन को फेंक देना टू को ऐसे काट देना, वन को फेंक देना टू को ऐसे काट देना, एंड सो ऑन। तो अब आपको समझ में आ रहा है क्या टेंशन है, मेन बात बस सिंपल इतनी है, ए पर एन बी पर एन हमारी ठीक है पीडीएस एक्सेप्ट हो रही थी, सीएफएल थी। तो जब आप ए को किसी एक स्ट्रिंग से रिप्लेस कर रहे हो, बी को भी किसी स्ट्रिंग से रिप्लेस कर रहे हो, तो स्ट्रिंग पढ़ पढ़ के ए बना करके उसको पुश कर लेना ना, और बी से उसी जब वो एक स्ट्रिंग जो भी होगा, जैसे बी को आपने रिप्लेस कर रखा था वन टू से, ये देखो बी को यहाँ ध्यान लगाओ जहां मेरा हाथ चल रहा है, बी को आपने वन टू से रिप्लेस कर रखा था, तो वन टू को पढ़ने के बाद आप वहां से ए उठा के फेंक देना बाहर स्टैक में, पुश करना स्टैक में, कब पुश करोगे, 101 01 का कॉम्बिनेशन पढ़ के स्टैक में पुश कर लेना। उसके बाद जब बी में जब जो भी 01 01 पढ़ते जाओगे उतने ए आप स्टैक के अंदर पुश कर लेना। उसके बाद जब 1 2 आएंगे तो पहले 1 को फेंक देना, 2 से ए को पॉप कर लेना, फिर अगले 1 को फेंक देना, फिर 2 से ए को पॉप कर लेना, एंड सो ऑन। क्या टेंशन है भाई, थोड़ा सा इंट्यूशन से प्रूफ आ गया ना, इतना ज्यादा बोलूंगा ना तो टाइम की बर्बादी और कुछ नहीं, गेट के लिए रियली इतना रिक्वायर्ड नहीं था, बट स्टिल मैंने थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया से समझा दिया कि होमोमॉर्फिज्म में सीएफएल क्लोज क्यों आएंगे, ठीक है। क्योंकि सिंपल बात है, हम स्ट्रिंग से रिप्लेस कर रहे हैं, पीडीए काम करता है मैचिंग का, तो जब पहले मैचिंग होती है तो फिर जब आप किसी स्ट्रिंग से रिप्लेस करते हो तो मैचिंग क्यों नहीं होगी, उस स्ट्रिंग को एक सिंबल मान लो, क्या टेंशन है आपकी, आई थिंक समझ में आ गया होगा मैं क्या करने कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो 01 को मैंने एक सिंबल ऐसे ए पुश कर लिया स्टैक में, एंड सो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत है सीएफएल क्लोज आएंगे। अच्छा व्हाट अबाउट माय सीएसएल, ठीक है, व्हाट अबाउट माय सीएसएल, सीएसएल क्लोज आएंगे क्या? देखो सिंपल बात मैं इतनी कहता हूँ, क्योंकि हम किसी भी सिंबल को किसी और सिंबल से रिप्लेस कर सकते हैं। तो सपोज कर लो सीएसएल कब होती है भाई, जब मैं उसके लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखता हूँ, है ना, लैंग्वेज विल बी सीएसएल व्हेन वी आर एबल टू राइट कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जनरेटिंग इट। अच्छा तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में हमारे पास से कोई ऐसा प्रोडक्शन रूल रहा होगा, ए ए ए इम्प्लाइज बी ए या बी ए बी, जो जैसे भी मतलब आप लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो, रादर थोड़ा उल्टा लिखते हैं ना, क्योंकि ये चार सिंबल है तो फिर कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर में लेंथ हमारी ज्यादा होनी चाहिए ना, एलएचएस की ज्यादा या बराबर होनी चाहिए आरएचएस की लेंथ से, तो हम उल्टा लिखते हैं, बी ए इम्प्लाइज 1 2 3 4 ये बी, ऐसे कुछ कर देते हैं, ठीक है। और फिर मैं आपको बोलता हूं कि जब हम होमोमॉर्फिज्म कर रहे थे तो हम मान लेते हैं ऐसे सिग्मा था हमारे पास ए कॉमा बी और टाउ था हमारे पास से 0.1, ठीक है। तो और मैं ऐसे बोल देता हूं कि ए को, क्योंकि आप अब वही बात है होमोमॉर्फिज्म दिखाना है, तो ए को मैं नल से रिप्लेस कर रहा हूं, ओके, और बी को मैं 0 से रिप्लेस कर रहा हूं, ठीक है। तो ये मैंने अपनी मर्जी है ना भाई, जिससे आपका मन करे उससे रिप्लेस करना है, उसमें आपको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं, है ना, क्योंकि नल भी, नल इज ऑल्सो स्ट्रिंग फ्रॉम दिस टाउ, टाउ से टाउ स्टार में नल है ना, तो बस ठीक है, हमने नल से रिप्लेस कर लिया ए को और बी को हमने 0 से रिप्लेस कर लिया। तो अब आप जरा मुझे समझाओ ये जो प्रोडक्शन रूल होगी ये क्या बनेगी जी, है ना। तो अब आप क्या बोलोगे जी, 0 ए इम्प्लाइज ये, तो ए सारे के सारे नल बन के बैठ गए तो उन क्या आएगा जी, बी आएगा। तो अब आप जरा देखो लेंथ ऑफ एलएचएस क्या है जी, 2 और लेंथ ऑफ आरएचएस क्या है जी, 1, तो हम लोग फंस गए। तो ये प्रोडक्शन रूल किसमें कन्वर्ट हो चुकी है, टाइप 0 में, ये टाइप 1 नहीं रही, तो इसका मतलब सीएसएल क्लोज नहीं होंगी, सीएसएल नॉट क्लोज्ड अंडर होमोमॉर्फिज्म,
ठीक है, रफ प्रूफ दिया मैंने, बहुत ज्यादा डीप में नहीं गया हूँ, और ये प्रूफ मैं इसलिए दे रहा हूँ रियली ये सब गेट के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको रोट लर्निंग ना करनी पड़े, सीधा आंख बंद करके रट्टे मारने पड़े, वो काम मैं नहीं चाहता, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता जा रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, और उसके बाद अब CSL के बाद अगली कौन सी आएगी जी, REC लैंग्वेजेस आएंगी, ठीक है। तो REC में रफली आप ऐसे याद रख सकते हैं कि REC में हम लोग फंसेंगे, नल के कारण हम लोग फंसेंगे, तो इनफाइनाइट लूप में हम मतलब यू कैन से जो ट्यूरिंग मशीन है वो हॉल्ट नहीं होगी, वो हैंग स्टेट में जा सकती है, रफली बोल रहा हूँ, इतना ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, बस सिंपल रियाद कर लो भाई, नॉट क्लोज्ड, ठीक है। और व्हाई इट इज नॉट क्लोज्ड, बिकॉज ऑफ नल, बिकॉज ऑफ नल हम लोग फंस सकते हैं, ठीक है। तो रफली मैंने आपको समझा दिया, एक्चुअली होता क्या है ना, REC मैंने कब बताया था भाई, व्हेन देयर इज एल्गोरिथम टू फाइंड W बिलोंग टू LG और नॉट, है ना, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये देखो REC कब होती थी भाई, लैंग्वेजेस REC इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एल्गोरिथम, देयर एग्जिस्ट एल्गोरिथम टू चेक W बिलोंग टू L और नॉट, है ना। और ये जो L होती थी ग्रामर की फॉर्मेट में भी आ सकती है या मशीन की फॉर्मेट में भी आ सकती है, तो अगर ग्रामर की फॉर्मेट में दे रखी है तो W L को बिलोंग कर रहा है या नहीं, देयर एग्जिस्ट एल्गोरिथम टू चेक, इसके लिए कोई एल्गोरिथम होना चाहिए, मतलब हाँ या ना दोनों आंसर आने चाहिए। RE में क्या होता था, एल्गोरिथम नहीं प्रोसीजर हमारे को चाहिए होता था, मतलब हाँ तो आ जाए ना में शायद हम लोग अटक सकते हैं, तो वही बात आएगी जैसे ही नल पड़ेंगे ना तो हम लोग फंस सकते हैं, ठीक है। वही बात है जैसे सेंटेंशियल फॉर्म छोटी बड़ी होने लग जाएगी, जैसे देखो इस सब मैंने आपको बता रखा है ना, नल मूस हम लोग क्यों अवॉइड करते थे याद होगा आप लोगों को, क्योंकि नल प्रोडक्शन ग्रामर में नल प्रोडक्शन क्यों नहीं रखते थे, क्योंकि नल प्रोडक्शन रखने से प्रॉब्लम क्या आती थी हमारे पास, कई बार तो इतनी बड़ी आ जाएगी सेंटेंशियल फॉर्म, कभी इतनी छोटी हो जाएगी, कभी इतनी बड़ी जाएगी, कभी इतनी छोटी हो जाएगी, तो शायद हो सकता है कि हम लोग कोई इनफाइनाइट लूप में फंस जाए। इंट्यूटिव आइडिया दे रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ, पूरा डिटेल में पूरा अच्छे से नहीं बोल रहा हूँ, टाइम की बर्बादी और कुछ नहीं है, रियली ये सब गेट के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, बट स्टिल मैं थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया देता जा रहा हूँ। तो नल इज द मेन कल्प्रिट, नल के कारण हम लोग रिकर्सिव लैंग्वेज में फंसेंगे, तो हो सकता है कि जैसे अब ट्यूरिंग मशीन की बात करूंगा तो ट्यूरिंग मशीन शायद हैंग हो जाए, है ना, क्योंकि मैंने बता रखा था REC के लिए हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन होती है, जो कि हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन का मतलब क्या होता था, ट्यूरिंग मशीन विच ऑलवेज हॉल्ट एंड से यस और नो, ठीक है। तो REC के लिए हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन होती है, लेकिन RE के लिए नॉर्मल ट्यूरिंग मशीन होती है, जो कि शायद हॉल्ट ना भी करे, है ना, और हॉल्ट कब नहीं करती, जब आंसर नो होता है, नो होता तो शायद हॉल्ट कई बार कर भी जाती है और कई बार नहीं भी करती, लेकिन यस में हमेशा हॉल्ट करके आंसर बोलती थी। याद आ रहा होगा आप लोगों को सब चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है, नहीं याद आ रही तो REC और RE लैंग्वेजेस का वीडियो देखो, चैप्टर 1 में मैंने ये सारा बता रखा है आप लोगों को, TOC की प्लेलिस्ट में जाओ, वीडियो नंबर तो मेरे को याद नहीं है, आई थिंक 40s के अराउंड होगा, 47 ऐसे कुछ वीडियो होगा REC एंड RE लैंग्वेजेस, उसमें मैंने सारा कुछ अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रखा है। तो मेन बात क्या है भाई, नल के कारण ना हम किसी सिंबल को नल से रिप्लेस करेंगे तो फिर हम फंस जाते हैं, ठीक है। तो सेंटेंशियल फॉर्म कभी इतनी बड़ी आ जाएगी, कभी इतनी छोटी आ जाएगी, कभी इतनी बड़ी आ जाएगी, कभी इतनी छोटी आ जाएगी, तो हम लोग मतलब नहीं पता लगा पाएंगे अगर स्ट्रिंग बिलोंग नहीं कर रहा होगा लैंग्वेज को, तो ठीक है, मतलब पता नहीं लगेगा कब स्टॉप करना है एंड सॉन्ग, तो वही बात है, वो फिर प्रोसीजर बन जाएगा, एल्गोरिथम नहीं रह पाएगा, रफली मैंने बोल दिया बस, दैट्स इट, प्लीज ज्यादा मत बोलो, टाइम बर्बाद होगा कुछ नहीं, ठीक है जी। तो REC बस याद रखना आपको, नॉट क्लोज, और मेन कल्प्रिट कौन है भाई, नल, ये मैंने प्रॉपर लिख दिया, बिकॉज ऑफ नल हम लोग फंस जाएंगे, ठीक है, ओके जी। उसके बाद आते हैं जी हमारी RE लैंग्वेजेस, तो RE याद रखना है भाई, ये क्लोज आ जाएगी, इसमें हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, छोटी बड़ी जैसे मर्जी, पहले भी जब हॉल्ट ना के केस में पहले भी अटक जाती थी मशीन हमारी, तो अब भी अटक जाएगी, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है, रफली बोल रहा हूं मैं, ज्यादा नहीं, मैं इतना नहीं बोल रहा, ठीक है। तो RE क्लोज आएंगी, बस इतना रफली आप याद रख सकते हैं, ठीक है जी। तो होमोमॉर्फिज्म में हमने क्या सीखा फाइनली, देखो रेगुलर रिवाइज करो फटाफट से, रेगुलर क्लोज्ड है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, बाकी सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे रिप्लेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे याद रखना, रेगुलर क्लोज्ड है, क्यों, क्योंकि हम कोई भी सिंबल को किसी स्ट्रिंग से रिप्लेस कर रहे हैं, तो जो भी स्ट्रिंग लिख रहे हैं, जो पहले सिंबल्स के रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी गई थी, तो सिंबल्स, वो सिंबल्स को हमने स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दिया, तो स्ट्रिंग के साथ रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दी जाएगी, इसमें क्या टेंशन है, ऐसे याद रखना आपको, ठीक है। रेगुलर रेगुलर में देखो हमने ये सब किया था, है ना, ये देखो जैसे हमारे पास ये था कि ए को हमने स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दिया, 01B को रिप्लेस कर दिया 12 से, तो पहले ए स्टार बी स्टार था, तो फिर रेगुलर एक्सप्रेशन ही थी ना, ए स्टार बी स्टार, तो ए को हमने 01 से रिप्लेस कर दिया, 01 का स्टार हो जाएगा, बी को आपने 12 से रिप्लेस कर दिया, तो 12 का स्टार हो जाएगा, तो फाइनली आई तो रेगुलर एक्सप्रेशन ही, तो क्या टेंशन है आपको, रेगुलर क्लोज आएगी। DCFL में फटाफट से याद कर देना, WHW ट्रांसपोज हैश को नल से रिप्लेस कर देना, हम लोग फंस जाएंगे, होमोमॉर्फिज्म करा ना, तो किसी को नल से रिप्लेस कर सकते, तो हैश बीच में छोड़ा दिया, और हैश ही हमारा मेन काम था, जो कि हमारे को पता लगवाता था कि भाई हमारे को माइंड मेकअप कब चेंज करना है, कब कटाई शुरू करनी है, जब हैश बीच में हट गया तो फिर नॉन डिटरमिनिज्म वाली बात आ जाएगी, तो इसलिए वो CFL रह जाएगी, DCFL नहीं रहेगी, तो DCFL क्लोज नहीं आने वाली है, किसमें, होमोमॉर्फिज्म में, CFL हमारी क्लोज हो जाती है, क्योंकि मैंने आपको PDA के थ्रू रफली आपको समझा दिया है। अच्छा, CSL में हम लोग फंसते थे, है ना, क्योंकि कॉन्टेक्स्टुअल ग्रामर में फिर वही बात है, दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, LHS की लेंथ लेस देन इक्वल टू RHS होनी चाहिए, तो RHS की लेंथ छोटी हो सकती है,
LHS की लेंथ से, क्योंकि हम किसी को भी नल से रिप्लेस कर सकते हैं, जिसका मन करेगा उसको उठाकर नल से रिप्लेस कर देंगे, तो बेसिक बात हम लोग फंस सकते थे। उसके बाद आती है जी CSL के बाद आती है जी REC। REC में वही बात है, नल के कारण हम लोग इनफाइनाइट रूप में फंस सकते हैं, तो ना शायद हम लोग नहीं कर पाएंगे तो फंस जाएंगे, RE हमारी क्लोज आ जाती है, बस सिंपल बात है ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको, मेरे ख्याल से आपने नोट डाउन तो कर ही लिया था है ना, तो कहां से नोट डाउन करवाऊं मैं आपको। चलो एक बार ऐसे करता हूँ, छोटा कर देता हूँ है ना, कोशिश करता हूँ सारा, मेरे ख्याल एक स्क्रीन पे तो आना इम्पॉसिबल है। चलो शुरू हो जाओ यहाँ से है ना, इतना तो शायद आप लोग पहले नोट डाउन कर चुके थे, बट स्टिल मैं तो 2 मिनट और दे देता हूँ, इतना कर लो नोट डाउन, उसके बाद क्योंकि मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली मैंने कहाँ तक पढ़ाया था आपको। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कर लो, ठीक है, उसके बाद फिर ये सब कर लो नोट डाउन, 0a+b, ये सब यहाँ तक कर लेना, 0+, वही देखो राइटिंग में इतनी गंदी है ना, 0a(b) था है ना, तो मतलब 0a(b) था, तो ये हमने क्या किया था, होमोमॉर्फिज्म लगाया था ना, a को नल से रिप्लेस कर लिया था, b को 0 से रिप्लेस कर लिया था, तो फिर ये b बन गया था और ये 0 बन गया था, 0a(b), तो टाइप 0 बन चुकी थी भैया ना, दिस वॉज टाइप 0 ग्रामर की प्रोडक्शन रूल है, टाइप 1 की नहीं है, तो टाइप 1 इसलिए क्लोज नहीं आई थी। ठीक है, अच्छा जी, चलो ठीक है, हाँ यहाँ तक नोट डाउन करो, अगले पेज पे आ रहा हूँ मैं, ठीक है, ओके ठीक है जी। लैम्डा फ्री होमोमॉर्फिज्म बिल्कुल सेम टू सेम है भाई, सिमिलर टू होमोमॉर्फिज्म, ओके, सिर्फ डिफरेंस क्या है भाई, ओनली नाम से समझ लो, ओनली डिफरेंस इज वी कांट रिप्लेस क्या, एनी सिंबल, वी कांट रिप्लेस एनी इनपुट सिंबल जो सिग्मा में होते थे, एनी इनपुट सिंबल बाय नल। पहले नल के लिए हमारे को छूट थी, अब वो छूट नहीं है, ठीक है, वी कांट रिप्लेस एनी इनपुट सिंबल बाय नल, नल से रिप्लेसमेंट बंद हो गई, ठीक है, आई थिंक आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो बस अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, देखो सारी चीजें रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है, रेगुलर हमारी क्लोज आएगी, DCFL भाई अभी भी क्लोज नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि वही बात है जैसे मैंने अभी आपको पीछे भी एग्जांपल दिखाया, मेरे से ज्यादा खिंचवाओ मत, टाइम बर्बाद होगा और कुछ नहीं। देखो नल के अलावा मैंने आपको सीधा पहले रिप्लेस करके दिखाया था ना, ये देखो हैश को मैंने नल से तो शॉर्टकट तरीके से समझाया था, पहले मैंने ये समझाया था कि नहीं सिग्मा ए बी हैश है और 0 1 है ये, तो फिर W0 W ट्रांसपोज एंड सोन हम लोग फंस गए थे, तो नहीं आने वाले भाई DCFL तो क्लोज आने नहीं वाली। अच्छा जी, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा कौन सा है जी, DCFL नहीं आई, CFL हमारी आ जाएगी जैसे पहले आई थी, अभी भी आएगी, इसमें क्या टेंशन है, नल से रिप्लेस नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ फायदा ही है, नुकसान थोड़ी है आपका, रफली याद करने के तरीके समझा रहा हूँ और कुछ नहीं। ठीक है जी, CSL, हाँ अब CSL क्लोज आ जाएगी है ना, क्योंकि अब नल से रिप्लेसमेंट बंद है, तो फिर LHS, देखो सीधी सी बात है, LHS की लेंथ लेस देन इक्वल टू RHS की लेंथ है, ये हमारी कंफर्मेशन है, अब किसी भी सिंबल को आप नल से रिप्लेस नहीं कर सकते, तो ये कंडीशन अभी भी फुलफिल रहेगी रहेगी है ना। CSL कब होती है जी, जब उसके लिए कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर लिखी जाए, और कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर में हर एक प्रोडक्शन में हमारे को ये निशानी चाहिए होती थी, तो ये निशानी मतलब ये जो कंडीशन जो है LHS इज लेस देन इक्वल टू RHS, ये कंडीशन अभी भी मेंटेन रहेगी, क्यों, क्योंकि नल से रिप्लेसमेंट आपकी बंद हो चुकी है, तो नल से रिप्लेसमेंट बंद हो चुकी है तो हमारे को कोई टेंशन नहीं आएगी। आई थिंक समझ पा रहे हो, देखो भाई कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर लिखी होगी तो ये कंडीशन आपने हर एक प्रोडक्शन में फुलफिल करवाई होगी ना। ठीक है जी, अब जब आप किसी सिंबल को किसी और सिंबल से रिप्लेस भी कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सिंबल क्या किसी स्ट्रिंग से रिप्लेस करो, होमोमॉर्फिज्म में क्या है, किसी भी इनपुट सिंबल को किसी स्ट्रिंग से रिप्लेस करोगे, जिस भी स्ट्रिंग से रिप्लेस करोगे नल से तरह रिप्लेस नहीं करोगे ना भाई, बस हमारी बात वही खत्म है, रफली बता रहा हूँ, बहुत डीप में नहीं जा रहा, प्लीज बार बार मैं बता रहा हूँ, बहुत डीप में नहीं जा रहा, रफली समझा रहा हूँ मैं आपको, याद करने के तरीके बस, सिंपल बात बोलूँ तो जुगाड़, एक जुगाड़ दे रहा हूँ मैं आपको और कुछ नहीं। ठीक है, तो ज्यादा इसमें मत घुसना, ज्यादा मत फंसना, ठीक है जी, तो CSL हमारी क्लोज हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद फिर क्योंकि जो था हमारा नल वही टेंशन देता था, तो वो नल वाली टेंशन हमारी खत्म है। ठीक है जी, उसके बाद आता है जी REC, अगेन REC भी क्लोज जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नल ही मेन कल्प्रिट था, तो कल्प्रिट हमारा हट चुका है REC। उसके बाद आती है हमारी RE लैंग्वेजेस, पहले भी थी अब भी है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मेन बात क्या आई भाई, लैम्डा फ्री होमोमॉर्फिज्म में CSL और REC भी क्लोज नहीं आई थी, DCFL तो आई नहीं थी, ये भी दोनों क्लोज नहीं आई थी, लेकिन अब लैम्डा फ्री होमोमॉर्फिज्म में CSL और REC क्लोज आ जाती है। ठीक है, प्लीज ये बात ध्यान रखना, बस बाकी तो सब था ही था, तो उसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं, रेगुलर पहले भी क्लोज थी, आरी पहले भी क्लोज थी, तो उसमें तो हमारे को कोई टेंशन है ही नहीं, और CFL पहले भी क्लोज थी है ना, तो ये तीनों तो पहले ही क्लोज थी, तो इनकी तो कोई टेंशन है ही नहीं, नल से रिप्लेस नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ फायदा ही नुकसान थोड़ी है आपका। ठीक है, तो हाँ बट फायदा ये हुआ कि CSL और REC क्लोज आ गई, बट DCFL तो अभी भी नहीं आ पाई, आई थिंक मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा, कर देता हूँ इसको छोटा, फटाफट से आप करो उसको नोट डाउन, बढ़ो मैं आगे। ठीक है जी, सब्सिट्यूशन, देखो भाई सब्सिट्यूशन ना एक जनरलाइज के, ऐसे बोलूं तो
होमोमॉर्फिज्म एक स्पेशल केस है सब्स्टिट्यूशन का, अगर अच्छे से बोले तो सब्स्टिट्यूशन जनरलाइज्ड केस है होमोमॉर्फिज्म का। होमोमॉर्फिज्म में हम किसी स्ट्रिंग से रिप्लेस करते थे, अब सब्स्टिट्यूशन में हम लोग किसी लैंग्वेज से रिप्लेस करेंगे, बट वो लैंग्वेज सेम टाइप की होनी चाहिए। ऑब्वियस बात है, लैंग्वेज सेम टाइप की होने की फिर हम क्लोजर प्रॉपर्टी कर ही क्यों रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक बार ऐसे समझाता हूँ आपको, देखो सिंपल बात मैं कहता हूँ, ठीक है। रादर पीछे भी मैं ये थोड़ी सी बात बोल सकता था, लैम्डा ऑफ होमोमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, मैपिंग है ये सिग्मा टू टाउ प्लस, स्टार नहीं बोलना है ना, क्योंकि नल से हम रिप्लेस नहीं कर सकते। तो सिग्मा से टाउ प्लस की मैपिंग है लैम्डा फ्री होमोमॉर्फिज्म, और होमोमॉर्फिज्म सिग्मा से टाउ स्टार की मैपिंग थी। तो अब जरा मुझे समझो सब्स्टिट्यूशन कैसी मैपिंग होगी, पहले एक बार लाइन पढ़ दूं फिर आपको समझाता हूं। देखो रिप्लेस ईच इनपुट अल्फाबेट सिंबल, ईच इनपुट अल्फाबेट सिंबल विद अ लैंग्वेज डिजाइन फ्रॉम अनदर सेट ऑफ सिंबल, बट द टाइप ऑफ लैंग्वेज मस्ट बी सेम। लैंग्वेज की टाइप सेम होनी चाहिए, टाइप चेंज होगी तो फिर तो दिक्कत होनी होनी है, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। तो मैं एक बार थोड़ा सा आपको समझाता हूँ मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो जैसे अगर मैं आपको कहूँ लैंग्वेज का मीनिंग क्या है, पहले तो ये समझो, वही बात है सब्स्टिट्यूशन भी एक मैपिंग की होगी। तो सिग्मा से पहले हम क्या कह रहे थे होमोमॉर्फिज्म में टाउ स्टार, तो अब लैंग्वेज से रिप्लेस कर रहे हैं तो टाउ स्टार क्या सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स, तो टू पावर टाउ स्टार क्या होगा भाई, सेट ऑफ ऑल लैंग्वेजेस ओवर टाउ, ये याद आ रहा है कि नहीं, टू पावर सिग्मा स्टार क्या होता है, सेट ऑफ ऑल लैंग्वेजेस ओवर सिग्मा स्टार, याद है कि नहीं, सेट ऑफ ऑल लैंग्वेजेस ओवर सिग्मा, है ना। ये सिग्मा क्या होता था अभी, जैसे ये ले ए कॉमा बी, तो सिग्मा स्टार क्या होगा भाई, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर ए एंड बी। टू पावर सिग्मा स्टार क्या होगा भाई, ऑल पॉसिबल लैंग्वेजेस ओवर ए एंड बी, ऑल पॉसिबल सबसेट ना। टू पावर एन क्या होता है भाई, जैसे एस को सेट है, टू पावर एस क्या होता है पावर सेट, तो वही बात है टू पावर सिग्मा स्टार क्या होगा भाई, पावर सेट मतलब सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सिग्मा स्टार, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सिग्मा स्टार का मतलब क्या होगा भाई, ऑब्वियस बात है लैंग्वेजेस, लैंग्वेज क्या होती है भाई, सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार। आपको याद आ रहा होगा प्लीज, ये सब चीजें मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग चैप्टर वन जब मैं स्टार्ट कर रहा था आपका स्ट्रिंग्स और ये सब पढ़ा रहा था, शुरू शुरू के वीडियो देखो मैंने वहां सारा एक्सप्लेन कर रखा है। एक बार और बोलूंगा समझ में आ गया, लास्ट टाइम एक बार और रिपीट कर देता हूं, सिग्मा है हमारा ए बी, सिग्मा स्टार क्या होगा भाई, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर ए बी। अब जितने भी सब लैंग्वेज की होती थी सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार, ये डेफिनेशन मैंने आपको समझा रखी है। तो टू पावर सिग्मा स्टार क्या होगा, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सिग्मा स्टार, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सिग्मा स्टार, और सबसेट्स क्या थे भाई, लैंग्वेज ही थी। तो टू पावर सिग्मा स्टार क्या हो जाए भाई, सेट ऑफ ऑल लैंग्वेजेस ओवर सिग्मा, जितनी भी दुनिया के लैंग्वेजेस बन सकते हैं सिग्मा पे वो हो जाएगा टू पावर सिग्मा स्टार। तो वही सब मैंने कर दिया, तो टू पावर टाउ स्टार का मतलब क्या होगा, सेट ऑफ ऑल लैंग्वेजेस ओवर टाउ, तो सिग्मा से आप टू पावर टाउ स्टार पे मैपिंग करके दिखाएंगे, बस दिस इज नॉन ए सॉल्यूशन। रफली लिख रहा हूँ, पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा ना, पूरी मैथमेटिक्स से समझाऊंगा, तो बड़ा टाइम बर्बाद है और कुछ नहीं, और इतना ज्यादा रिक्वायर्ड भी नहीं है गेट के लिए। सिंपल बात पूछेगा सब्स्टिट्यूशन में कौन सी क्लोज है, होमोमॉर्फिज्म में कौन सी क्लोज है, याद करो काम खत्म करो, क्यों टेंशन पालते हो, याद करने के तरीके मैं आपको अभी तक समझाता ही जा रहा हूं, तो कोई 1% भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके जी, तो सिग्मा से टू पार सिग्मा स्टार पे हमारी मैपिंग होगी। तो एग्जांपल चाहिए आपको तो एग्जांपल ले लो भाई, ठीक है। तो जैसे हम सिग्मा ले लेते हैं ए कॉमा बी, और सेम टाइप वाली बात मैं भी आपको समझाता हूँ, है ना, और वैसे तो ऑब्वियस बात है बट स्टिल कोई बात नहीं मैं समझा देता हूँ, जीरो और वन, ठीक है ना। अच्छा जी, तो हम ए को रिप्लेस कर लेते हैं जीरो स्टार से, जीरो स्टार क्या होगी लैंग्वेज, है ना, तो आप ये यही मेन खास बात थी। बी को हम रिप्लेस कर देते हैं वन स्टार से, तो अब आप जरा मुझे समझाओ, एल है हमारे पास ए स्टार बी स्टार, तो सब्स्टिट्यूशन एस ऑफ एल क्या निकलेगी जी, ए को हमने कैसे रिप्लेस कर रखा है जीरो स्टार से, जीरो स्टार का स्टार, और बी को हमने कैसे रिप्लेस कर रखा है वन स्टार का स्टार, ठीक है। तो बी को हमने वन स्टार से रिप्लेस कर रखा है, तो बी स्टार क्या हो जाएगा इसका स्टार, तो जीरो स्टार का स्टार आपको पता है जीरो स्टार और वन स्टार, ठीक है, जीरो स्टार और वन स्टार यही आ जाएगा। तो आई थिंक मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ऑब्वियस ही बात है भाई, ए को अगर आप रिप्लेस कर दो जीरो पावर एन वन पावर एन, बी को आप रिप्लेस कर दो जीरो पावर एन वन पावर एन, तो बकवास बात हो जाएगी, क्योंकि जीरो पावर एन वन पावर एन आपको पता है भाई ये तो सी एफ एल है, तो रेगुलर से आप सी एफ एल पे तो नहीं जा सकते ना, तो लैंग्वेज तो ऑब्वियसली फिर क्लोज तो रहेगी ही नहीं, ऐसे तो फिर कोई भी लैंग्वेज क्लोज नहीं रहेगी। तो एक कंडीशन डाल दी गई कि लैंग्वेज सेम टाइप की होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए फिर मैंने ए को रिप्लेस करा जीरो स्टार से, क्योंकि रेगुलर से ही रिप्लेस करना था, एंड सो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो बस भाई अब ज्यादा मैं क्यों बोलूं, है ना, टाइम बचाओ अपना। जीरो स्टार और वन स्टार से हमने रिप्लेस करा था, तो ऑब्वियस ही बात है भाई पहले भी रेगुलर एक्सप्रेशन आपने लिखी हुई थी लैंग्वेज के लिए, तो फिर उसकी भी आगे जो आप करोगे उसकी भी रेगुलर एक्सप्रेशन ही आएगी, तो मेरे ख्याल से इसमें मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो आई थिंक समझ पा रहे होंगे, रेगुलर क्लोज आ जाएगी, ऊपर कर दूं लिख देता हूं मैं फटाफट साथ साथ, हाँ जी, तो रेगुलर हमारी क्लोज आ जाएंगी, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डीसीएफएल, डीसीएफएल क्लोज नहीं आएगी, कॉमन सेंस सोचो भाई, देखो
सब कुछ छोड़ो, आप बस इतनी बात करो, मैंने अभी आपको क्या समझाया भाई, सब्स्टिट्यूशन जनरलाइज्ड है थोड़ा सा होमोमोर्फिज्म से, तो जो कुछ होमोमोर्फिज्म में है वो भी वो सब्स्टिट्यूशन में तो होगा ही होगा। अगर मैं आपको बोलूं नल इज ए लैंग्वेज, बिल्कुल है भाई, नल इज ए स्ट्रिंग, यहाँ पे हम बोल सकते हैं नल इज ए स्ट्रिंग, लेकिन अगर मैंने नल को ऐसे लिख दिया तो ऑब्वियसली लैंग्वेज बन गया है। तो ये लैंग्वेज क्या है, दिस इज अ लैंग्वेज इन विच नल इज द ओनली स्ट्रिंग, ठीक है। तो सिंपल बात है, सब चीजें आपको पता है, है ना। तो लैंग्वेज से रिप्लेस कर रहे हैं, तो एक एक स्ट्रिंग की भी तो एक एक लैंग्वेज बन सकती है, उसमें क्या टेंशन है, फाइनाइट लैंग्वेजेस हो जाएंगी वो एक एक स्ट्रिंग वाली, तो बस वही काम हम यहाँ कर देंगे, तो क्या टेंशन है। ये लो डब्ल्यू हैश डब्ल्यू ट्रांसपोज था हमारे पास, रफली वही बात बोलूंगा, हैश को आप नल से रिप्लेस कर दो, क्योंकि लैंग्वेज से रिप्लेस करना था ना, तो ये लैंग्वेज मान लो आप, नल एज ए स्ट्रिंग है तो अब आप इसको एज ए लैंग्वेज समझ लो, लैंग्वेज क्या हो, उस लैंग्वेज में सिर्फ एक स्ट्रिंग होगा दैट इज नल। तो मेरे ख्याल से मैं जितना बोलूंगा उतना टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं आप समझ पा रहे हो, हर एक स्ट्रिंग सिंपल बात, बस मेन बात ये है, मोटी मोटी बात आपको समझानी चाहिए कि एक एक स्ट्रिंग की एक लैंग्वेज बन सकती है, इसमें हमारे को कोई टेंशन नहीं है, ए इज अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो एक लैंग्वेज भी मैं बना सकता हूँ, लैंग्वेज में भी उसमें सिर्फ ये ए एज ए स्ट्रिंग हो जाएगा, तो क्या टेंशन है आपको, एक एक स्ट्रिंग की लैंग्वेज हमारी बनाई जा सकती है। तो वही बात मैंने कर ली कि लैंग्वेज मैंने पकड़ ली जिसमें नल इज वाज द ओनली स्ट्रिंग, तो मैंने हैश को उस लैंग्वेज से रिप्लेस कर दिया। तो हैश को उस लैंग्वेज से रिप्लेस करने का मतलब क्या हुआ, हैश को मैंने नल से रिप्लेस कर दिया, हैश को जैसे मैंने नल से रिप्लेस करा तो फिर ये क्या बन जाएगी, डब्ल्यू डब्ल्यू ट्रांसपोज, और फिर वही बात में फंस गया, हैश हमारा बीच में जो आता था माइंडसेट चेंज करवाने के लिए वो हमारा हट चुका है, तो पीडीए को पता नहीं लगेगा भाई अगला स्ट्रिंग कब खत्म, पहला स्ट्रिंग कब खत्म और दूसरा कब शुरू हुआ, इसको समझ नहीं आएगी बात, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे हो ना, मतलब डब्ल्यू कब खत्म हुआ डब्ल्यू ट्रांसपोज कब शुरू हुआ इसको बीच में पता नहीं लगेगा, तो कब कैसे पता लगेगा इसको कटाई करनी है एंड सॉन्ग, तो आप समझ पा रहे हो ना, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने जितने टाइम बर्बाद और कुछ नहीं, ठीक है जी। तो डीसीएफएल याद रखना आपको, क्लोज नहीं आएगी, सेम काम है सब्स्टिट्यूशन, प्लीज इतना याद रखना, रफ बात इतनी ज्यादा अच्छी बात यही बोल के भाग जाऊंगा मैं, जो होमोमॉर्फिज्म का हाल था वही सब्स्टिट्यूशन का हाल होना, बस चुपचाप से कॉपी पेस्ट कर दो, बस ज्यादा बोलो ही मत कुछ, मैं बोलता ही नहीं ज्यादा। रेगुलर क्लोज आएगी, डीसीएफएल क्लोज नहीं आएगी, सीएफएल हमारी क्लोज आएगी, सीएसएल हमारी नहीं आएगी, आरईसी हमारी नहीं आएगी और आरई हमारी आएगी। अब ये दोनों क्यों नहीं आएगी, वही बात है, नल इज ऑल्सो लैंग्वेज, स्ट्रिंग का तो लैंग्वेज भी तो है ही है, तो आप जो भी सिंबल होगा उसको नल से रिप्लेस कर लेना, तो हम फंस जाएंगे वही बात, जैसे पहले अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था होमोमॉर्फिज्म में, वही प्रूफ आप कॉपी पेस्ट यहां कर सकते हो। तो सिंपल बात, सब्स्टिट्यूशन इज अ जनरलाइज्ड केस ऑफ होमोमॉर्फिज्म, तो जो होमोमॉर्फिज्म का हाल था वही सब्स्टिट्यूशन का हाल होना था, इसलिए हमने वो सारा कुछ कॉपी पेस्ट करके आपको दिखा दिया, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, मैंने काफी बार रिपीट भी कर दिया इस चीज को, ठीक है जी। तो बस इसको आप आराम से कर लो नोट डाउन, ठीक है। मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि एक ही स्क्रीन पे आ जाए, हाँ आ जाएगा शायद एक ही स्क्रीन पे, ठीक है कर लो नोट डाउन, इतना कर लो, नीचे बस मैंने आरी लिखा हो तो वो आरी, ये जो आरी है बस शायद ये छुप रहा है, बाकी सब आ रहा है, आप नोट डाउन कर लो फटाफट, कर लिया नोट डाउन, चलो नेक्स्ट पेज पे मैं जंप कर रहा हूँ, तो नीचे आरी है वो लिख लेना आप लोग, ठीक है जी। ओके नेक्स्ट पेज पे मैं अब जंप कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन होगा लैम्डा फॉर सब्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट वही है ना, जस्ट लाइक योर, मतलब सिंपल ऐसे लिखते हो, जनरलाइज्ड वर्जन ऑफ, ज्यादा टाइम वेस्ट करो ही मत ना, टाइम हमारे पास कम है, जनरलाइज्ड वर्जन ऑफ लैम्डा फ्री होमोमॉर्फिज्म, और जो होमोमॉर्फिज्म पढ़ा था उसी का जनरलाइज्ड वर्जन है जी हमारा लैम्डा फ्री सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो बस वही बात है, सब्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज से रिप्लेसमेंट है, होमोमॉर्फिज्म में स्ट्रिंग से रिप्लेसमेंट थी, तो बस जो हाल लैम्डा फ्री होमोमॉर्फिज्म में था लैंग्वेज का, वही हाल हमारा लैम्डा फ्री सब्स्टिट्यूशन में होगा। तो मतलब फटाफट लिख लेते हैं, रेगुलर डीसीएफएल CFL, CSL, REC और RE, रेगुलर क्लोज आई थी ना लैम्डा फ्री होमोमॉर्फिज्म में, यहाँ पे भी आएगी, DCFL नहीं आई थी भी, प्रूफ मैंने आपको पहले समझा रखा है, बार बार मेरे से मत बुलवाओ, CFL हमारी जब सब्स्टिट्यूशन में क्लोज आई तो लैम्डा फ्री में तो आनी आनी है, CSL और REC जैसे वही लैम्डा फ्री होमोमॉर्फिज्म में क्लोज आई थी यहाँ पे भी आ जाएगी, और RE तो पहले भी क्लोज थी सब्स्टिट्यूशन में, क्लोज थी तो लैम्डा फ्री सब्स्टिट्यूशन में तो क्लोज आनी आनी थी, ठीक है। तो बस ये फायदा हुआ CSL और REC हमारी क्लोज आ गई लैम्डा फ्री सब्स्टिट्यूशन में, बट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्लोज नहीं थी, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में क्लोज भी नहीं थी क्योंकि होमोमॉर्फिज्म में नहीं थी, सिंपल बात, होमोमॉर्फिज्म सब्स्टिट्यूशन एक जैसे है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, रफली एक जैसे हैं, होमोमॉर्फिज्म कहता है स्ट्रिंग से रिप्लेस करो और सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है किसी लैंग्वेज से रिप्लेस करो, बस और कुछ नहीं है। तो सब्स्टिट्यूशन इज अ जनरलाइज्ड केस ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ये होमोमॉर्फिज्म इज अ स्पेशलाइज्ड केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन, स्पेशलाइज्ड केस क्यों, क्योंकि ऐसे रफली बोल दो आप, होमोमॉर्फिज्म में भी हम लोग लैंग्वेज से रिप्लेस कर रहे हैं बट वो लैंग्वेज सिर्फ एक एक स्ट्रिंग की है, बस और क्या बोलूं मैं इसके ऊपर, आई थिंक आप पकड़ के हो गए, ठीक है आगे मैं बढ़ रहा हूँ भैया, ठीक है इसको नोट डाउन कर लेना। अच्छा जी अगला है जी इनवर्स होमोमॉर्फिज्म, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तो इसको इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो पहले तो जो मोटी मोटी बात है वो समझ लो, इनवर्स होमोमॉर्फिज्म में मेन बात आपको याद रखनी है, ऑल लैंग्वेजेस आर क्लोज्ड, सारी लैंग्वेजेस क्लोज्ड है, प्रूफ वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है, टाइम बर्बाद और कुछ नहीं, तो ऑल लैंग्वेजेस आर क्लोज्ड, ठीक है। रेगुलर CFL CSL सभी की सभी क्लोज आएंगे, रेगुलर क्लोज लिख देता हूं मैं फिर भी, रेगुलर CFL
सी एस एल, ठीक है, आर ई सी और आर ई और डी सी एफ एल भी, जो एक शायद बच गई, सॉरी फॉर दैट, डी सी एफ एल भी क्लोज, सभी के सभी क्लोज आएंगे, प्लीज ध्यान रखना इनवर्स होमोमॉर्फिज्म में। अब देखो इनवर्स होमोमॉर्फिज्म कहता क्या है, अगर आपने इनवर्स फंक्शंस पढ़े हैं ना तो इनवर्स होमोमॉर्फिज्म चुटकी बजा के आपको समझ आ जाएगा। इनवर्स में उल्टा उल्टा काम करो, ठीक है, मतलब पहले मैपिंग कर रखे उस मैपिंग को वापस रिवर्स कर, दैट इज इनवर्स होमोमॉर्फिज्म। दस और इसके ऊपर कुछ जाने की जरूरत नहीं है, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो वो क्वेश्चंस मैं अभी आपको करा रहा हूं, ठीक है जी। तो एच इनवर्स एल क्या होता है भाई, एक्स सच दैट एच ऑफ एक्स इज इन एल, बिल्कुल उल्टा एकदम उल्टा, ठीक है। तो एच ऑफ एक्स अगर एल में होगा तो आप एक्स उठा उठा करके लिखते चले जाओगे। जैसे सपोज कर लो सिग्मा है हमारे पास ए बी, टाउ है हमारे पास 0 1 2, तो एच ऑफ ए अगर मैंने ले लिया 0, ए ए ए के लिए हम 0 से रिप्लेस करेंगे, तो जहां पे भी ए आएगा उसको हम 0 से रिप्लेस करेंगे, होमोमॉर्फिज्म वाली बात कर रहा हूं। तो एच ऑफ बी क्या हो गया जी 1 2, तो जहां पे भी बी आएगा उसको मैं 1 2 से रिप्लेस करूंगा। तो अब मैं आपसे उल्टा पूछ रहा हूं, है ना, तो एल हमने ये ले ली है, एल है ये, और मैं अब आपसे पूछ रहा हूं एच इनवर्स एल बताओ भाई, एच इनवर्स एल बताओ भाई, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, उल्टा कर दो ना बस, 0 को किससे रिप्लेस कर दोगे ए से, है ना, और 1 2 को किससे रिप्लेस कर दोगे बी से, तो ए स्टार बी स्टार, दैट्स इट, इसमें क्या टेंशन है आपको, बिल्कुल सिंपल, डेड सिंपल कहानी है। मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आप अपने पकड़ गए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये डेफिनेशन समझ आएगी ना भाई, ज्यादा मैं क्या एक्सप्लेन करूं उसको। एच इनवर्स एल क्या होगा भाई, एक्स सच दैट एच ऑफ एक्स इज इन एल, होमोमॉर्फिक इमेज अगर एल में है, एच ऑफ एक्स क्या कहता है, इसको क्या कहते हैं होमोमॉर्फिक इमेज, तो होमोमॉर्फिक इमेज अगर एल में है तो फिर एक्स उठा करके आपको लिख देना है बस, ठीक है जी। तो बस वही हमने करा कि ए और बी हमारा सिग्मा था, टाउ था ये, तो होमोमॉर्फिज्म फंक्शन होगा ना, तो होमोमॉर्फिज्म फंक्शन सिग्मा से टाउ स्टार पे होगा, तो मैंने वो दिखा दिया आपको, एच ऑफ ए हमारा 0 है, एच ऑफ बी हमारा 1 2 है। अब मैंने लैंग्वेज आपको उल्टी दी है, 0 star 1 2 star दिया है, ए स्टार बी स्टार नहीं दिया, 0 star 1 2 star दिया है। तो 0 star 1 2 star को अब आपको एच इनवर्स एल अगर आपको निकालनी होती तो आप क्या बोलते भाई, 0 की पीछे उल्टी इमेज आके देखो, 0 की इमेज ए निकलेगी, तो इसलिए हमने ए से रिप्लेस कर दिया, और 1 2 की पीछे इमेज आके देखो उल्टी बी निकलेगी, तो आपने बी से रिप्लेस कर दिया, बस सिंपल बात है ना। तो ऐसे मैं बोलूंगा अभी देखो, ऐसे मैं बोलूंगा अगर एल हुई हमारे पास ए स्टार बी स्टार, तो एच ऑफ एल क्या होगा जी, एच ऑफ एल होगा जी 0 star 1 2 का स्टार, सब कुछ छोड़ दो यहाँ पे अभी, बस इतनी बात करो, एल अगर ए स्टार बी स्टार है, ये हमने होमोमॉर्फिक बना रखा है ना, होमोमॉर्फिज्म फंक्शन बना रखा है, तो ए को किससे रिप्लेस कर रहे हैं 0 से, बी को किससे रिप्लेस कर रहे हैं 1 2 से, तो एच ऑफ एल क्या होगा भाई 0 star 1 2 star, है कि नहीं, सिंपल बात। अच्छा अब सिमिलरली अगर मैं आपको बोल देता एच अगर एल हमारी ये होती, ठीक है, तो एल मतलब पहले मैपिंग करके दे रखी थी मैंने, एल ऐसे कर दिया हमने, ये भाई वो इनवर्स फंक्शन वाली बात है, ये फंक्शन ये ए टू बी, ये एक फंक्शन एफ है ना, तो फिर बी टू ए जब हम लोग चल रहे होंगे तो वो क्या आता था भाई, एफ इनवर्स आता था, बस वही बात है ये, ठीक है। मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, बेसिक से पॉइंट्स हैं, आप अपने आप से गैस कर पा रहे होंगे, ये तो बहुत बेसिक सी बातें हैं। हाँ जी, तो एल अगर ए स्टार बी स्टार थी तो एच एल क्या जाएगी भी 0 star 1 2 का स्टार, और अगर एल हमारी 0 star 1 2 star थी तो अब आपको यही समझ में आएगा कि होमोमॉर्फिक इमेजेस दे रखे हैं भाई, ए की 0 और बी की 1 2, तो एल हमारे पास ये गिवन है 0 star 1 2 star है, तो मतलब यहां से यहां आना है, प्लीज ये ध्यान रखो, यहां से यहां आना है, तो ऑब्वियसली इनवर्स उल्टा फंक्शन चलाना पड़ेगा हमारे को, ठीक है, यहां से यहां आने के लिए उल्टा फंक्शन चलाना पड़ेगा, तो एच इनवर्स करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने एच इनवर्स आपसे पूछी। तो 0 को आप किससे रिप्लेस करोगे ए से, 1 2 को आप किससे रिप्लेस करोगे बी से, तो ए स्टार बी स्टार हो जाएगा, बस दैट्स इट, इसमें क्या ज्यादा मैं बोलूं, आई थिंक आप पकड़ गए हो ना। हाँ जी, तो ठीक है जी, तो ये हो गया जी पहले क्वेश्चन में एच इनवर्स एल मैंने समझा दिया है, और इनके प्रूफ में हमारे को रियली जाने की जरूरत नहीं, ऑल लैंग्वेजेस क्लोज हैं तो क्यों है एंड सो ऑन, मारो गोली इस चीजों को, बहुत मैथमेटिक्स है इतना जरूरत ही नहीं है। अगर गेट अभी तो प्रेशर है मेरे पे सिलेबस कंप्लीट करने का, जब गेट एग्जाम हो जाएगा उसके बाद मैं बेशक से सेपरेट वीडियो बना करके आपको समझा दूंगा, ये प्रूफ वगैरह अगर मन करेगा तो मैं दे दूंगा, आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। अगर आप मेरे से काफी स्टूडेंट्स कमेंट करके पूछेंगे कि सर हमारे को प्रूफ चाहिए तो मैं दे दूंगा, मुझे क्या टेंशन है, ठीक है, मैं बता दूंगा आपको बाद में, लेकिन अभी गेट पहले कर लो, जो हमारा एम है वो कर लो, उसके बाद देख लेंगे बाकी बातें, ठीक है जी। तो आई थिंक समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर बहुत इजी था, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ये, ठीक है, तो 0 1 2 एंड टाउ इज ए बी, ठीक है जी। तो अब हमने पूछा कि 0 एच ऑफ 0 इज ए, एच ऑफ 1 इज ए बी, एच ऑफ 2 इज बी ए, तो एल है हमारे पास ए बी ए बी ए, एच इनवर्स एल में आपसे पूछ रहा हूं, मेरे को जरा समझाओ क्या आएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक वीडियो को पॉज करके एक बार आप अपने आपसे करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको अपना आंसर भी बताऊंगा। तो एच इनवर्स एल बताओ भाई क्या आएगा, करें डिस्कस। चलो देखो, 0 को मैंने ए से रिप्लेस कर रखा है, तो अब सिंपल बात है भाई, एच उल्टा करें ना, एल हमारी ये एच इनवर्स एल कर रहे हैं, तो ए जहां पे भी नजर आएगा मैं उसको 0 से रिप्लेस कर सकता हूं, तो पहला ही ए नजर आ गया है मेरे को, तो लो जी मैंने इसको 0 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद फिर बी ए नजर आया था, है ना, तो अब देखो बी ए जो है
उसको हम 2 से रिप्लेस कर सकते थे, ठीक है। तो बी ए को मैंने 2 से रिप्लेस कर दिया, अगला भी बी ए नजर आ रहा था तो मैंने उसको 2 से रिप्लेस कर दिया। दिस इज वन वे। कई स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा, सर आपने पहले ए को क्यों पकड़ा, आप पहले पूरे ए बी को पकड़ लेते ना, तो मैं आपकी बात भी मानता हूँ, तो कॉमा डाल करके दूसरा भी लिखना पड़ेगा। प्लीज ये चीज ध्यान रखना भाई, ऐसा नहीं होता कि एल एल में एक स्ट्रिंग है तो एच इनवर्स एल में भी एक स्ट्रिंग आएगा, ना जी ना, फालतू भी स्ट्रिंग आ सकते हैं। तो फालतू का ही वो मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। तो जो जिस जिस तरीके से मैपिंग हो सकती है सारे तरीके आपको लिखना, छोड़ना नहीं है किसी को भी, प्लीज ध्यान रखना। हाँ जी, तो पहले मैंने क्या करा, ए ए पढ़ लिया था तो ए को मैंने 0 से रिप्लेस कर दिया था, फिर बी ए जो नजर था मैंने 2 से रिप्लेस कर दिया। अब अगला पकड़ो भाई, अगला फिर आपके दिमाग में आ जाता है कि सर आपने ए ही क्यों पकड़ा, पहले पूरा ए भी पढ़ लेते ना, तो पूरा ए भी पढ़ लो, पूरा ए भी पढ़ोगे तो सीधा 1 से रिप्लेस करोगे, फिर अगला ए भी पढ़ोगे तो उसको किससे रिप्लेस करोगे, अगेन 1 से रिप्लेस करोगे, सॉरी फॉर दैट, बीच में ये कॉमा नहीं आना, एक स्ट्रिंग हम लिख रहे हैं, 1 से रिप्लेस करोगे, और ए जो हमारा बच गया उसको किससे रिप्लेस करोगे भाई, 0 से रिप्लेस करोगे, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। और कोई तरीका, हाँ जी और भी तरीका है, क्या और तरीका है भाई, देखो ए बी आप पहले ले लेना, ए बी मतलब क्या हो गया, 1 हो गया, उसके बाद एक सिंगल ए भी तो ले सकते थे यहां से, सिंगल ए का मतलब क्या होता था अभी, 0 होता था, और फिर उसके बाद फिर बी ए पढ़ लेते, बी ए क्या है जी, 2 है जी, तो लो जी 2 लिखो जी, ठीक है। और कोई तरीका समझाओ, मेरे ख्याल से और तो कोई तरीका निकलेगा नहीं, आप अपने आप से चेक कर सकते हैं यहाँ पे। आया समझ में, हमने क्या क्या किया भाई, पहले हमने 0 2 कैसे लिख दिया था, पहले हमने ए पकड़ लिया, ए पकड़ने के बाद फिर बी ए पकड़ लिया, ऐसे समझो, देखो ए बी ए बी ए, पहले ए पकड़ लिया फिर बी ए पकड़ लिया फिर बी ए पकड़ लिया, अगला फिर हमने क्या करा जी, ए बी ए बी ए जैसे बोल रहा हूँ वैसे किया, ए बी ए बी ए, अगला क्या करा भाई, ए बी ए बी ए, ए बी पकड़ लिया, ए पकड़ लिया, बी ए पकड़ लिया, तो बस उसके हिसाब से हमने लिख दिया। मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आप समझ चुके होंगे। और तो कोई तरीका भी आता नहीं, आप अपने आपसे चेक करके देख सकते हो, ठीक है जी, ओके जी, चलो। क्योंकि वो देखो वही पॉसिबिलिटी बनती थी, पहले आप ए को पकड़ लो तो उसके हिसाब से हमने अपना काम करके दिखा दिया, उसके बाद फिर आप ए बी पूरे को पकड़ लो, ए बी को पकड़ दोगे फिर 2 चॉइसेस हैं, या तो ए बी पकड़ू या ए ही पकड़ू, है ना, जैसे पहले ए बी में हमने ए पकड़ा था और फिर ऐसे करा था, तो यहाँ पे भी हम वही काम कर सकते थे, तो हमने वही काम करके दिखा दिया। आई थिंक आप समझ चुके होंगे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इतना आप पहले फटाफट से नोट डाउन करो, फिर मैं इसको आगे स्लाइड कर रहा हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर रहा हूँ। इसको अच्छे से समझ लो भाई, अगले क्वेश्चन में सबका यूज होना है। बढ़ू आगे, लो जी ये बताओ भाई, एल है हमारे पास ए बी ए स्टार और एच इनवर्स एल बताने, वही हमारी ये इमेज हमारी वही है, मतलब ये फंक्शन हमारा सेम चल रहा है। बताओ भाई फटाफट से क्या बनेगा। तो लैंग्वेज जब आप लिख रहे होगे तो आप पहले मेरे को जरा लैंग्वेज की पहचान करो, सबसे छोटा स्ट्रिंग इसमें क्या होगा जी, ए होगा, ठीक है। अच्छा एच इनवर्स एल नहीं लिख रहा मैं, ये फिर वही बात आपको कन्फ्यूजन पैदा करेगी। तो ए बी ए स्टार को मैं लिख रहा हूँ भाई, ठीक है। तो ए बी ए स्टार को आप सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या लिखोगे जी, ए, उससे अगला क्या लिखोगे जी, ए बी ए, उससे अगला क्या लिखोगे जी, ए बी ए बी ए, इसलिए मैंने देखो ऊपर करा दिया आपको, ये देखो एक स्ट्रिंग यही करा था मैंने, ए बी ए बी ए, ताकि आप यहाँ से फटाफट से लिख सके, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद अगला क्या लिखोगे जी, ए बी ए बी ए बी ए, है ना, डॉट 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 डॉट, चलो फटाफट से लिखो। एच यूनिवर्सल ए के लिए मैंने आपको अभी सिखाया था, एक ए तो हमारा क्या है भाई, देख लो उल्टा 0 है, चलो जी हम सबसे छोटा स्ट्रिंग इसमें 0 बोलेंगे, उससे बड़ा क्या है जी, ए बी ए है। तो ए बी ए के लिए क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो भाई, ए बी ए के लिए बताओ मेरे को फटाफट से, ए बी ए के लिए ए अलग बी अलग, या फिर ए बी और ये ए, तो ए अलग बी अलग, ए ए क्या है जी, 0 है, बी ए क्या है जी, 2 है जी, तो लो जी 0 2 लिखो। उसके बाद फिर और क्या करोगे आप, ए बी और ए बी क्या है जी, ए है, आई थिंक ए बी 1 है, है ना, ए बी 1 है, और ए जो है उसको क्या है, 0 है जी, तो वो लिखो भाई 1 0, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं है, बकवास बातें हैं सारी, है ना। तो ए ये देखो ए बी ए था, ए को हमने 0 से रिप्लेस कर दिया, बी ए, बी ए क्या है जी, 2 से रिप्लेस कर दिया, फिर ए बी और ए था, ए बी क्या हो गया जी, 1, और ए क्या हो गया जी, 0 हो गया, तो ठीक है जी ये हमने लिख दिया। अच्छा इसका काम खत्म है, मेरे ख्याल से और कोई तरीका नहीं निकलेगा, इसके लिए मैंने अभी आपको लिख के दिखाई दिया, ये ऊपर लिख रखा है हमने 0 2 2 1 0 1 0 2, ठीक है, आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग। अच्छा जी अब आपको ना थोड़ी सी पहचान हो जाएगी यहाँ पे कि हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, ठीक है। जैसे आप इसके लिए लिखने की कोशिश करोगे तो आप कैसे लिख पाओगे, देखो एक एक तो होगा जी ए बी ए बी ए, है ना, तो देखो पहले हमने जैसे इसके लिए लिख रखा था 0 2 2, तो इसके लिए क्या लिखोगे आप, 0 2 2, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्योंकि ए बी ए बी ए, तो बी ए 2 था, फिर अगला बी ए 2 था, तो यहाँ पे 3 बी ए थे, तो हमने 2 2 2 लिख दिया। अच्छा फिर अगला और क्या कर सकते थे, ये देखो ए बी ए बी ए बी और फिर ये ए, तो मतलब 1 1 0, और फिर क्या कर सकते थे, ए बी ए बी ए बी ए, तो मतलब 1 1 0 2, ठीक है।
और क्या कर सकते थे, 1022 भी कर सकते थे आप, है ना, जैसे ए बी पकड़ लेते फिर यहाँ से ए और बी ए बी है ना, समझ पा रहे हो ना अभी, प्लीज मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, आप समझ पा रहे होगे ना, तो 1022 डॉट 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 डॉट, अब आप आई थिंक समझ पा रहे होगे अभी क्या हो रहा है, कम से कम एक जीरो तो मिलता ही मिलता है, आजू बाजू कितने भी वन और कितने भी टूज आ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वन और टू बराबर ही होंगे, आप आराम से गैस कर सकते हो, देखो जीरो था, जीरो के पीछे टू आ गया, फिर जीरो से आगे वन आ गया, फिर जीरो के आगे दो टू आ गए, फिर जीरो से पहले डबल वन आ गया, फिर जीरो से इधर वन और टू, जीरो से इधर तीन टू, जीरो से इधर तीन वन, जीरो से इधर दो वन और एक टू, जीरो से इधर एक वन और दो टू, बस अब आप आई थिंक समझ चुके हो, आजू बाजू वन और टू आ रहे हैं, बीच में जीरो बैठा है, तो मतलब वन स्टार जीरो टू स्टार, दिस इज माई फाइनल आंसर, ठीक है, ये इतनी जल्दी और इतना इजीली आपको गैस नहीं हो सकता भाई, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा तो आप समझ पाएंगे चीजों को, ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ छोटा, आप आराम से नोट डाउन कर लो, ये बड़े ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, अभी तक आई नहीं है, गेट एग्जाम में आ सकते हैं, प्लीज ध्यान रखना, एल अगर ए बी ए स्टार है तो एच इनवर्स एल क्या आएगा जी, वन स्टार जीरो टू स्टार, आई थिंक अच्छे से पकड़ में आ गया होगा आपको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ठीक है जी, चलो जी इसको भी कर लो नोट डाउन, है ना, क्वेश्चन नंबर टू और थ्री में एक ही साथ इकट्ठे कर देता हूँ, तो आप आराम से नोट डाउन कर लो, ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करें, एक बार मैं टाइमिंग देख लेता हूँ भाई, है ना, कितना एक एक, एक टाइम हो गया, ऐसे चलते रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी भाई, 50 मिनट हो चुके हैं, चलो कोई नहीं, देखते हैं भाई एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं, हाँ जी, तो सिग्मा है हमारा 01, टाउ है हमारा ए बी, एच ऑफ 0 है जी डबल ए, एच ऑफ 1 है जी ए बी ए, एल क्या है जी ए बी प्लस बी ए का होल स्टार ए, और एच इनवर्स एल बताना है आपको, देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, आप पहले एल लिखो तो आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा, सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या होगा जी ए होगा, क्योंकि ए बी प्लस बी ए का होल स्टार था ना, तो इसको अपना मान लो ए पकड़ दोगे, उससे अगला क्या पकड़ सकते हो भाई ए बी ए, और क्या पकड़ सकते हो जी बी ए ए, और क्या पकड़ सकते हो जी ए बी बी ए ए, और क्या पकड़ सकते हो जी बी ए ए बी ए, डॉट 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 डॉट, पकड़ में बात की नहीं आई, मैंने बहुत जल्दी जल्दी लिखा है, इतने तो अब आप मैच्योर हो चुके हैं, अगर आपने मेरे टीओसी के चैप्टर वन के वीडियो देख रखे हैं तो ये सब आप एक्सपेंड करना तो जानते ही, इसमें क्या एक्सपेंड कर रहा हूँ, इसको नल मान लिया ए लिख लिया, है ना, फिर अब वही बात है, अब रिकॉर्डेड है लेक्चर्स, आप मेरे सामने तो होनी, जो आप मेरे को टोक दो मैं मान जाऊं भाई, हाँ जी ठीक है भाई, मैं मतलब आप क्लियर हो गया है ना, तो अब तो 2 मिनट बोल देता हूँ, तो अगला क्या आप करोगे भाई ए बी और ये ए, है ना, फिर अगला क्या पकड़ोगे जी बी ए, और फिर पीछे ए चिपका रखा है हमने, ये तो चिपकने चिपकना पीछे, उस बाद फिर हमने क्या करा, इन दोनों को पकड़ दिया ए बी बी ए, क्योंकि ऑल पॉसिबल स्विंग्स ओवर ए बी प्लस बी ए, ए बी एंड बी ए है ना, तो सब उठा उठा के लेते जाएंगे ए बी बी ए, फिर अगला क्या करोगे बी ए ए बी ए, डॉट 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 डॉट, ऐसे चलते रहेंगे, अच्छा जी, तो अब आप जरा मुझे एच इनवर्स एल क्या होगा, तो डबल ए जब भी आएगा स्ट्रिंग में आप उसको जीरो से रिप्लेस करोगे और ए बी ए को आप वन से रिप्लेस करोगे, तो बताओ भाई एच इनवर्स एल में, सबसे पहले ये जो ए था, ए को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, पीछे उल्टा कुछ भी नहीं लिख सकता है, क्योंकि डबल ए के लिए जीरो है भाई, सिंगल ए के लिए तो है नहीं, अच्छा जी ए बी ए के लिए क्या है जी वन है जी, तो ए बी ए के लिए तो वन था, तो सीधा मैं वन उठा के लिखूंगा, इसके लिए तो सीधा हो गया, बी डबल ए बोलो भाई, बी डबल ए के लिए कहीं मैपिंग नहीं मिलने वाले, नो डाउट डबल ए के लिए है आपके पास जीरो, बी का क्या करोगे, बी तो कहीं कुछ है ही नहीं, अच्छा फिर ए डबल बी ए ए, तो ए डबल बी ए ए क्या करूं भाई, ए ए की तो मैपिंग मेरे को मिलती है, बट ये फिर ये ए डबल बी ये कहां से बैठा है, कहीं मैपिंग नहीं हो रही, तो अब आप आगे चेक करना भी टाइम बर्बाद है और कुछ नहीं, आप अपने चेक कर लेना और कहीं कुछ नहीं मिलने वाला, तो एच इनवर्स एल विल बी ओनली वन, प्लीज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको माइंड में फिट करके रखना है, तो क्या निकला जी एच इनवर्स एल वन निकला है, अच्छा अब आप जरा मुझे एक बात ये समझाओ, एच इनवर्स एल जो आपने कर रखा था उसका एच करना, तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूँ, एच इनवर्स एल हमारे पास वन है ना भाई, तो एच ऑफ वन में आपसे पूछ रहा हूँ, एच ऑफ वन आपको पता है क्या था जी ए बी ए था, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूँ एच ऑफ एच इनवर्स एल क्या आएगा जी ए बी ए, विद इन ब्रैकेट ऐसे लिखना क्योंकि ये एक किस्म से सेट है, इसीलिए हम ऐसे लिख रहे हैं, अब बड़ी ब्यूटीफुल पॉइंट आएगा आपके दिमाग में, फंक्शन में हम क्या करते थे, अगर देखो f ऑफ a है और आगे f इनवर्स था, तो f इनवर्स और f कैंसिल हो जाता था, वापस a आ जाता था, लेकिन यह ऐसा नहीं है जी, h इनवर्स h ऑफ l जैसे, अच्छा सॉरी मैंने ये उल्टा कर दिया भाई, है ना, तो सॉरी फॉर दैट, पहले h इनवर्स है ना, तो ऐसे बात करो भाई, f इनवर्स a और फिर f, जब आप फंक्शंस में निकालते थे, अगर आपको याद आ रहा हो, नहीं बता तो भाई मेरे फंक्शंस के वीडियो देखो, मैं यहाँ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सेट थ्योरी के वीडियो देखो, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में मैंने वहां सारा एक्सप्लेन कर रखा है, तो ये घुमा फिरा करके ए आता था, कंफर्म थी ये बात आपको याद आ रहा होगा, f f इनवर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाते थे, यहाँ ऐसा नहीं होता भाई, एच इनवर्स एल करके एच जब आप कर रहे हो तो ऐसे मत बोल देना एच इनवर्स और एच कट जाएगा और वापस एल की लैंग्वेज एच आ जाएगी, नहीं हुआ जी ऐसा, आपके पास ए बी ए आया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज माइंड में फिट करके रखना,
ठीक है ओके। और एक ब्यूटीफुल पॉइंट ये भी आपको समझ में आया होगा कि एल हमारे पास इनफाइनाइट लैंग्वेज थी, यहाँ पे देखो भाई इनफाइनाइट ऑब्वियसली, बट जो एच इनवर्स एल फाइंड आउट कर रहे हैं वो फाइनाइट आएगी, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एल इनफाइनाइट है तो एच इनवर्स एल भी इनफाइनाइट ही आएगी, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। पॉइंट्स मैंने आगे सारे लिखे हुए हैं बट स्टिल मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी लिखे हुए सारे मैं आगे आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो मेन बात समझ में आ गई भी, एच इनवर्स एल एच जब आप करोगे तो लैंग्वेज आ रही है ए बी ए, सिर्फ एक स्ट्रिंग आ रहा है, और ऐसे नहीं बोलना कि एच इनवर्स और एच कट गए आपस में तो एल वापस एच आ जाएगी, नहीं आने वाली। दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, अभी तक गेट एग्जाम में नहीं आया है, आगे आने वाले सालों में आ सकता है, प्लीज ध्यान रखना है आपको इस चीज के बारे में, ठीक है। आई थिंक समझ में आएगा सबको, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे मैं आप जंप कर रहा हूँ, आ जाऊं। लो जी, अब मैं क्या कह रहा हूँ, सिग्मा है हमारे पास 0 1, टाउ है हमारे पास ए बी, एच ऑफ 0 ए है, एच ऑफ 1 ए है, तो एल इज इक्वल टू 0 स्टार 1 स्टार है, तो एच ऑफ एल मेरे को जरा समझाओ। तो 0 को हमने किससे प्लेस कर रखा है, ए से, है ना। 1 को भी किससे प्लेस कर रखा है, ए से, तो एच ऑफ एल क्या होगी, ए स्टार दैट इज नथिंग बट ए स्टार ओनली। अच्छा अब आप जरा मुझे समझाओ, एच ऑफ एल आपके पास रेडी है, एच इनवर्स एच ऑफ एल में अगर आपसे पूछे तो आप क्या आंसर करोगे, तो मतलब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ एच इनवर्स ए स्टार बताओ भाई क्या आएगी, ठीक है बताओ भाई आराम से बताओ। तो मतलब वही बात है, एल अब ऐसे समझ लो ना, एल डैश समझ लो, है ना। अगर आपको जरा से भी ये इस नोटेशन में मेरे ख्याल से तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, अगर किसी को कंफ्यूजन आ रही है तो आप ऐसे सोचो भाई एच ऑफ एल आपने निकाल रखी है ए स्टार, तो एच ऑफ एल को आप एल डैश मान लो, ठीक है। तो एच इनवर्स ऑफ एल डैश में आपसे पूछ रहा हूँ, एल डैश क्या है भाई, वही ए स्टार है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आप समझ पा रहे होगे इतना तो, है ना। हाँ जी, तो एच इनवर्स ए स्टार मैंने आपसे पूछा है, तो या रादर एच इनवर्स एल डैश मैंने आपसे पूछा है, तो आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो कॉमन सेंस सोचो भाई, ए स्टार को पहले एक्सपेंड करोगे तभी तो बात कर पाओगे, इनवर्स होमोमॉर्फिज्म करना ना। हाँ जी, तो ए स्टार को एक्सपेंड करो भाई, ए स्टार क्या होगा जी, नल होगा, ए होगा, डबल ए होगा, ट्रिपल ए होगा, डॉट 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 डॉट। अच्छा जी, तो अब आप जरा मुझे समझाओ, ये नल का, नल मतलब हवा होती है, तो जब आप लिख रहे होगे ना एच इनवर्स ऑफ ए स्टार, तो नल ही रह जाएगा, उसको तो कोई चेंज होना नहीं है। ए है अगर, तो ए के लिए देखो भाई, अब ध्यान से देखना मैं क्या बोलूंगा, ए को मैं 0 से रिप्लेस कर सकता हूँ, 1 से भी रिप्लेस कर सकता हूँ। मैंने आपको समझाया था कोई भी छोड़ना नहीं होता, तो हम लोग यहाँ पे वही लिख लेंगे जी, 0 भी लिख लेंगे और 1 भी लिख लेंगे। फिर डबल ए आया, तो डबल ए के लिए अब देखो मैं आपको ऐसे बोलूंगा, डबल ए था ना, तो ए कैन बी 0 1 और हेयर ए कैन बी ऑल्सो 0 1, तो 0 0 0 1 1 0 1 1, तो दो लेंथ के सारे स्ट्रिंग पैदा हो गए जी, डबल ए के लिए 0 0 0 1 1 0 1 1 ये पैदा हो गए। अब ट्रिपल ए के लिए वही कहानी होगी जी, ट्रिपल ए के लिए मैं वही बात बोलूंगा, अब रेगुलर स्पेशन टाइप से लिखूं 0+1 0+1 और 0+1, समझ पा रहे हो ना, पहले ए के लिए ये लिख लिया, दूसरे ए के लिए और तीसरे ए के लिए, और ये आपको पता भी क्या बनेगा, ऑल थ्री लेंथ स्ट्रिंग एंड सोन, जब 4 ए आएंगे तो फिर ऑल 4 लेंथ स्ट्रिंग्स आ जाएंगे बाइनरी में, फिर 5 लेंथ स्ट्रिंग्स आ जाएंगे एंड सोन। तो अब आप समझ चुके हो जी, एच इनवर्स ए स्टार विल बी इक्वल टू 0+1 का होल स्टार, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर 0 एंड 1, ये बन के आएगा। आप देखो अगेन वही बात मैं यहाँ पे भी बोलूंगा, ये देखो जैसे आप फंक्शंस में क्या पढ़ के आए हो, f of a और f इनवर्स, जब मैं बोल देता था तो मैं कहता था f और f कैंसिल हो जाएगा, आंसर वही आ जाएगा, बट यहाँ पे ऐसा हुआ है क्या, h of l था और h इनवर्स करा तो आपस में कैंसिल होकर वापस l आ जाए, नहीं कोई जरूरी नहीं ऐसा। अब ये मत बोल देना कि कभी भी नहीं आएगा, कभी यहाँ भी जाएगा और कभी नहीं भी आएगा, इट हार्डली मैटर्स, मतलब वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा, करके देखना भाई आपको, है ना, ऐसा जल्दबाजी नहीं करनी, करके देखना आराम से गेट एग्जाम में क्या निकल रहा है और क्या नहीं निकल रहा है, तो कभी आ भी सकता है और कभी नहीं भी आ सकता, प्लीज ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। हाँ जी, तो फिलहाल हमने आराम से देखो पूरा, मैं छोटा कर देता हूँ, है ना, ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। तो ये देखो एक पूरे स्क्रीन पे आ गया ना, हाँ, तो अब यहाँ पे ये चेक कर लो, अब ये ठीक है, तो ये ए आया था, मतलब कट जाते थे लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं कटे हैं, आप अपने आप चेक कर सकते हैं, एच इनवर्स एच ऑफ एल that will be h inverse a star, तो h inverse a star क्या निकला जी, 0+1 का whole star, तो इसको मतलब मैं क्या बोलूंगा जी, l थी हमारे पास, l थी जी 0 star 1 star, और फिर मैंने क्या निकाला है जी, h of l और h inverse, लग रहा था कि h और h inverse cancel होके वापस l आ जाएगी, लेकिन ये निकला क्या जी, 0+1 का whole star, obviously आपको पता है भी 0 star 1 star 0+1 का whole star दोनों different है, ठीक है जी, तो दोनों सेम नहीं आए हैं, है ना, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये भी अब आपके अच्छे से माइंड में फिट हो गया होगा, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, अगले पेज पे मैं जंप कर रहा हूँ, करूँ जंप,
ठीक है जी। तो अब प्लीज देखो, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो पॉइंट बोला था वो मैंने लिख के दिखा दिया कि इफ एल इज इनफाइनाइट देन एच ऑफ एल इज ऑल्सो इनफाइनाइट। ये बात एकदम गलत है। क्वेश्चन मैं फॉर्मेट में दे रहा हूँ ना आपको कि अगर एल इनफाइनाइट है तो एच ऑफ एल भी इनफाइनाइट आएगा। नहीं, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको प्रूव कर चुका हूँ, ठीक है, याद आ रहा होगा आपको। ये देखो, ये देखो, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी किया था, है ना, एच इनवर्स एल देखा था। तो ये भी कोई जरूरी नहीं, देखो एच इनवर्स में तो मैंने देख लिया, तो अगर एल इनफाइनाइट होगी तो एच ऑफ एल भी इनफाइनाइट आएगी। एच सॉरी फॉर दैट, एक्चुअली एच इनवर्स के बारे में मैंने आपको प्रूव किया था कि एल अगर इनफाइनाइट है तो एच इनवर्स एल फाइनाइट आ सकती है। तो अब आपके मन में आएगा कि सर एल अगर इनफाइनाइट होगी तो एच ऑफ एल ने तो हमेशा इनफाइनाइट आना है। क्यों? क्योंकि देखो ऐसे समझो, जैसे अगर हम बोलते हैं कि होमोमोर्फिज्म कर रहे हैं ना हम लोग, तो हम बोलते हैं कि एच ऑफ जीरो इज ए एंड एच ऑफ वन इज बी, है ना। तो वही बात है, सिग्मा हम ले लेते हैं 0 1 और टाउ हम ले लेते हैं से ए बी। तो जीरो को आप ए से रिप्लेस करोगे, वन को आप बी से रिप्लेस करोगे, यही आप कर रहे हो। या कोई स्ट्रिंग लेना तो स्ट्रिंग ले लो, ए बी ले लो, यहाँ पे बी ए ए ले लो, क्योंकि किसी भी स्ट्रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं, तो हमने स्ट्रिंग से रिप्लेस करा। तो फिर आप बोलोगे कि सर देखो ये तो क्या बात है भाई, 0 star 1 star अगर आपको चाहिए थी तो एल हमारी इनफाइनाइट थी, तो जब आप एच ऑफ एल निकालोगे तो एच ऑफ एल में आप क्या बोलोगे भाई, ए बी का स्टार और बी डबल ए का स्टार। तो ऑब्वियस ही बात है भाई, अगर एल इनफाइनाइट है तो एच ऑफ एल भी इनफाइनाइट आएगी आएगी। एच इनवर्स में तो मैं बार बार समझा रहा हूँ, एच इनवर्स में तो मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूँ कि अगर एल इनफाइनाइट है तो एच इनवर्स एल फाइनाइट आ सकती है। लेकिन क्या ये चीज यहाँ पे रहेगी ट्रू? आपको लगेगा कि इफ एल इज इनफाइनाइट देन एच ऑफ एल इज ऑल्सो इनफाइनाइट, ये बात 100% करेक्ट है सर, क्योंकि हम यहाँ पे सिंबल से रिप्लेस कर रहे हैं, तो देखो वही तो आया है। लेकिन नहीं, एक बात में आप चूक गए, होमोमोर्फिज्म कर रहे हैं ना भाई, नल से भी तो रिप्लेस कर सकते थे। तो अगर आप ऐसे बोल देते कि देखो अगर एच ऑफ, यहीं पे मैं आपको सिखाता हूं, ठीक है, अगर एच ऑफ जीरो को हम नल ले लेते और एच ऑफ वन को भी मैं नल ले लेता, तो आप एल थी हमारी 0 star 1 star, तो अब आप जरा मुझे समझाओ एच ऑफ एल क्या आएगी जी, नल स्टार और नल स्टार। और ये आपको पता जी, नल स्टार क्या होता है जी, नल, नल स्टार क्या होता है जी, नल, तो नल डॉट नल दैट इज नथिंग बट नल ओनली, फाइनाइट आ गई। तो कोई जरूरी नहीं है कि एल इनफाइनाइट है तो एच ऑफ एल भी इनफाइनाइट आएगी, ना जी ना। ये आपके मन में वहम आ सकता है कि एल इनफाइनाइट है तो एच ऑफ एल इनफाइनाइट आना ही आना है, क्योंकि हम लोग हमेशा किसी सिंबल को किसी स्ट्रिंग से रिप्लेस करते हैं। तो अगर सिंबल्स वाली बात में अगर हम इनफिनिटी में इनफिनिटी तक जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग्स वाली बात में भी हम इनफिनिटी तक ही जाएंगे। जैसे हमने यहां देखा था 0 star 1 star, तो 0 को ए बी से रिप्लेस करा था, 1 को हमने बी डबल ए से रिप्लेस करा था। तो जब देखो, जब ये 0 star 1 star था तो ए बी स्टार और बी डबल ए स्टार हो गया, है ना, तो इनफाइनाइट तो आनी आनी है। लेकिन ऐसा कोई जरूरत नहीं है, हम नल वाली बात तो भूल गए ना, नल से रिप्लेस करेंगे तो हम लोग फंसेंगे। आई थिंक क्लियर होगा अगर सबको मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इफ एल इज इनफाइनाइट देन एच ऑफ एल इज ऑल्सो इनफाइनाइट, ये बात महाबकवास है, ठीक है, दिस इज रॉन्ग। एग्जाम्पल मैंने अभी आपको समझा दिया, ठीक है जी, ओके जी। तो मैं इसको कर देता हूँ छोटा, सॉरी फॉर दैट, आप इसको कर लो आराम से नोट डाउन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। राइट क्वेश्चन आएगा भी वो फिर नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ, ठीक है। तो यहीं तक अच्छे से आप नोट डाउन कर लो, और ब्यूटीफुल बातें मैंने आपको बड़ी अच्छे से समझाई हैं। H of H inverse L, ठीक है। तो H inverse L है हमारे पास और उसका मैंने H कर दिया, H of H inverse L is equal to L, बकवास है बात, कभी आ भी सकता है कभी नहीं भी सकता, ऐसे मत बोल देना, never, never equal, कभी आ भी जाएगा कभी नहीं भी आएगा, क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको चेक करना है, ठीक है। ऐसी H inverse of H of L, H of L का H inverse आपने करा, तो ये मत बोल देना कट जाएंगे और आंसर अलग जाएगा, नहीं जी नहीं, कभी आएगा और कभी नहीं भी आएगा। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्लीज आपको मेंशन करके रखने हैं। और अगर अगर हमारे पास से L इनफाइनाइट है तो H inverse L भी इनफाइनाइट होगी? नहीं, मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ, मैंने प्रीवियस बार बार देखो ये मैंने आपको अभी दिखाई था, L हमारी इनफाइनाइट थी तो H inverse L हमारी फाइनाइट आ गई थी, है ना। तो कोई जरूरी नहीं कि इनफाइनाइट आएगी। और सिमिलरली एच ऑफ एल जो हमारे को लग रहा था कि नहीं वो तो आनी चाहिए इनफाइनाइट, बट वो भी नहीं है इनफाइनाइट, ठीक है। तो वो भी हो सकता है कि फाइनाइट आ जाए, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू प्रूव कर दिया, ठीक है। चलिए दैट्स इट, तो यहाँ तक हम आज की क्लास में रखते हैं, यहीं से आगे फिर मैं नेक्स्ट क्लास में जंप करूंगा। बस थोड़ा बहुत रह गया, राइट क्वेश्चन रह गया, लेफ्ट क्वेश्चन रह गया, इसके कुछ क्वेश्चन है हमारे को करने हैं, ठीक है, और कुछ कुछ बातें हैं जो हमारे को डिस्कस करनी है, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे यहीं से, ठीक है। चलिए मैं अपने लास्ट स्लाइड पे आ जाता हूँ जहाँ पे हम छोड़ रहे हैं क्लास को, इतना आप नोट डाउन कर लो और नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।